Shiva Sadi Gaura
Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare दूसरे दिन में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान मनुष्य समाज के लिए दिया है, ताकि मनुष्य अपने भूले हुए स्वर्ग को पुनः प्राप्त करके वापस अपने स्वरूप में आकर जीवन का पूर्ण लाभ उठा सकता है श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा। तो कल हम सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के शुरुआत में, हमने देखा पांच विषय की चर्चा की। कितने विषय हैं श्रीमद् भगवद गीता के? कौन बता सकता है पांचों पांच विषय? पूरा कीजिए माइक्रोफोन। यस मदर, बीच वाली मदर, यस। ईश्वर जीव प्रकृति कारण कर्म, और कोई बता सकता है इसमें से? बीच में, यस बोलिए बोलिए, पीछे एकदम पीछे, एकदम पीछे। ईश्वर प्रकृति काल और कर्म, वेरी गुड। ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म कर्म, ये पांच विषय का श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने पूर्ण रूप से निरूपण किया है। जीव मतलब, जीव मतलब कौन है? जीव हम सब, जो भी आप देख रहे हो, चलने वाले हैं, जो भी कीड़े पतंग जो भी हैं, पशु पक्षी, वो सब कौन है? जीव है। फिर ईश्वर भगवान कौन है? तीसरे दिन देखेंगे प्रकृति काल और कर्म, ये पांच विषय का निरूपण करेंगे। ये छह विषय की चर्चा कल सुना था कि छह विषय हम लेंगे, उसमें से पहला दिन का विषय जीवन का वास्तविक ध्येय, वो हमने कल सुना जीवन का वास्तविक ध्येय। तो मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं कि मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है, कौन बताएगा? यस पीछे माता जी, मनुष्य में बुद्धि का होती है, पशुओं में दिमाग बुद्धि नहीं होती। बुद्धि का, लेकिन मैंने कल बुद्धि का बोला कि बिल्ली, कौन सा उदाहरण दिया था मैंने? बुद्धि में समझ, विचार शक्ति और समझ शक्ति, उसमें डिफरेंस है। बुद्धि तो बिल्ली में भी होती है ना, अगर कोई माता जी, मैंने कल दृष्टांत दिया था, माता जी अगर किचन में हो गई तो बिल्ली वहां नहीं आएगी, क्योंकि उसमें बुद्धि है कि मुझे मेरे मुझे पीटेगी, इसलिए नहीं आएगी, बुद्धि तो है। ठीक है, तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? विचार शक्ति और समझ शक्ति। तो दोनों में समानता क्या है, कौन बताएगा? आपको बोलना नहीं है, खाली आदत पड़ गया। मुझे पता है सब ज्ञानी हो, मुझे समझ गया कल, लेकिन फिर आदत पड़ गया। यस माता जी बोलिए। हाँ यस, माइक्रोफोन कहाँ है? आहार निद्रा भय, आहार निद्रा भय, और ये चार चीज मनुष्य और पशु में समान है। कल हमने देखा था आहार निद्रा भय मैथुन। तो मनुष्य और पशु को अलग कैसे किया जाता है? कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य और पशु को हम अलग कर सकते हैं?
उपराध करना, मुझे पता है आप सब ज्ञानी हो, उपराध कीजिए। यस गुरुजी बोलिए। यस धर्म। और किसी को पता, मैं कल एक श्लोक बोला था, वेदव्यास जी ने कहा था, कौन सा श्लोक कोई बता सकता है और कहां से था वो बता सकता है? यस गुरुजी। नो यस यस माता जी। महाभारत का कौन सा है कोई बता सकता है? पता है किसी को? अगर मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता है तो पशु है, और पशु अगर धर्म का पालन करे तो मनुष्य। इसने वेद व्यास जी ने महाभारत में कहा है, आहार निंद्रा भ्रमैथुनच सामान्येते पशुभेदः। ये चार कार्य पशु भी करते हैं। अगर ये चार कार्य करने के लिए मनुष्य जिंदा रहता है, जीवन जीता है ना, तो किसके समान है? पशु के समान है। तो अलग कैसे करना है? तो वेदव्यास जी कहते, धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो धर्मन हीना नर पशु भी समान। अगर धर्म का पालन नहीं करता है, और सर्वोच्च धर्म क्या है हम उसको आप इसको आपको बताएंगे तीसरे दिन, और दूसरे दिन भी निरूपण करेंगे, मतलब कल या परसों भी निरूपण करेंगे। तो हमने देखा पशु में और मनुष्य में अंतर। ओके, मनुष्य की वास्तविक समस्या क्या है? यस माता जी। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में, कहे अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषां दर्शनम। तुझे सबसे बड़े दुख का दर्शन करना है ना, तो कौन से दुख? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हे अर्जुन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, एसी नहीं है, तो वॉशिंग मशीन नहीं। ऐसा नहीं बोला भगवान ने। क्या बोला है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषां दर्शनम। तेरे जय भगवान ने बोला है। तो आपका मोबाइल साइलेंट कर दीजिए दूसरी बार, है ना। और भक्तों को भी खास, उनका मोबाइल तो बजना ही नहीं चाहिए, ठीक है, जो रेगुलर प्रोग्राम में आते हैं उनको। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे बड़ा जीव का प्रॉब्लम है, समस्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कल हम देखा जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, जरा और व्याधि के बारे में। ये जो चार दुखों है उनको दुख का कारण और जन्म का ध्येय, यही सही जिज्ञासा के विषय है। ब्लड फ्री फायर कल हमने देखा, और अब हम सुनेंगे कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उनको, उससे मुक्त होने के लिए वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त करें। अगर हमको कोई बुखार आ गया है तो बुखार को दूर करने के लिए हमको ज्ञान आएगा, कौन सा ज्ञान आएगा? कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास, है ना, वो हमको ज्ञान आ जाएगा तुरंत। अगर हमको करोड़पति बनना है तो करोड़पति कैसे बना जाए उसका हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जो स्कूल और कॉलेज में जो भी ज्ञान दिया जाता है, या जो वैज्ञानिक ज्ञान है, या भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान है, अनेक प्रकार के ज्ञान है, उसके उनको प्राप्त करके हम इस जन्म मृत्यु से छूट नहीं सकते हैं। अब देखिए जिस देश में वैज्ञानिक इलेक्ट्रिक साधन, स्कूल कॉलेज, उनका ज्ञान बहुत अच्छी तरह से दिया जाता है, विदेश में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है या कोई देश में, और जहां जहां भी ज्ञान बेस्ट प्रकार से दिया जाता है वहीं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तनाव है ना, दुख, चिंता है ना। जितना भारत देश में चिंता लोग नहीं करते उतना चिंता कहां होती है? विदेश में। आप देखिए नोबेल कुछ पढ़ेंगे तो पता चलेगा विदेशी लोग बहुत आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इतना साधन होने के बावजूद भी वो लोग सुखी नहीं है, क्योंकि उनको वास्तविक सत्य का पता नहीं है, और वास्तविक सत्य जानने के लिए हमको मनुष्य देह मिला है। वास्तविक समस्या क्या है और वास्तविक सत्य क्या हम जानना चाहिए, लेकिन वास्तविक सत्य का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य दिन रात दुखी है। इतना प्रगति का बोलते, खुद बोलते कि हमने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन नहीं, प्रगति नहीं है ये।
सुविधा से कभी सुख नहीं मिलता है। आप बहुत बड़े गाड़ी बंगले टीवी एसी कुछ भी खरीद लो, लेकिन सुविधा से कभी सुख नहीं मिलता है ना। सुविधा से सुख नहीं मिलता है। लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, सुविधा जितना करे उनका सुख मिलेगा? नहीं, सुविधा से कभी सुख नहीं मिलेगा। इससे हमको ये जो सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए जो भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान दिया उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और कोई लोग होता है जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए न्यूज़पेपर देखते हैं, धार्मिक सीरियल आते हैं टीवी में देखते हैं, तो ऐसा सब देखते हो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन जो टीवी सीरियल वाला जो भी देखते हो, अनेक प्रकार की सीरियल आते हो, वो जो सीरियल वाले हैं ना टीवी वाले, वो क्या कर रहे हैं, उनको पैसे चाहिए उनको, इससे जो रोचक लगे ना ऐसे स्टोरी रख देंगे। शास्त्र के आधार पर नहीं करते वो लोग, अपनी बुद्धि से एक शूटिंग करते हैं कि हमको अच्छा कैसे लगे, जीव को अच्छा कैसे लगे, मनुष्य को अच्छा कैसे लगे, इस अकॉर्डिंग वो सीरियल बनाते हैं। और हम वो देखकर जो साधु संत होते हैं, जो भगवत गीता भागवत को जानते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, तर्क करते हैं। क्या करते हैं? तर्क। नहीं, हमने तो ऐसे सुना है, हमने तो ऐसा देखा है। हम पूछते हैं, भाई आपने कहां सुना है? तो कहेंगे स्टार प्लस में, सीरियल में सुना है। लेकिन वेद व्यास जी पे विश्वास नहीं है, ये जो कथा कथित जो डायरेक्टर है प्रोड्यूसर उस पे विश्वास है, लेकिन वेद व्यास जी जो श्रीमद् भगवत गीता भागवतम पुराण श्रीमद् भागवतम अनेक शास्त्रों की रचना की है, और भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र है वो साक्षात मैं हूं, लेकिन उस पे विश्वास नहीं है। और हम टीवी सीरियल वालों पे विश्वास रखते हैं। तो सावधान होकर हमको वास्तविक ज्ञान का प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वास्तविक ज्ञान मिलेगा आपको कहां? साधु के भक्तों के संग में, भगवत गीता के द्वारा। तो आज हम जानेंगे वास्तविक ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं। आप लिखते रहना, लेकिन खाली लिखने में ही ध्यान मत देना, सुनते भी रहना ध्यान से। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला ज्ञान। दूसरा है अनुमान प्रमाण, मतलब अनुमान करते हैं। और तीसरा है शब्द प्रमाण, जो प्रामाणिक सत्ता से सुनना, वो शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमारे इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। हम यहां से सूर्य को देखते हैं, सूर्य कितना बड़ा लगता है? सूर्य कितना लगता है यहां से हमको? थाली जैसा, है ना, एक प्लेट जैसा हमको सूर्य दिखता है। क्या सूर्य इतना है? सूर्य और चंद्र जो है पृथ्वी लोक से भी बड़ा है। यहां से जो सूर्य है वो 9,50,00,000 माइल दूर है, ऐसा कुछ है वैज्ञानिक कहते हैं और शास्त्र में भी लिखा है। बहुत दूर है, फिर भी पृथ्वी से भी बड़ा सूर्य है। लेकिन हमारी दृष्टि आंख से कैसा लगता है? एक थाली जैसा लगता है। क्या सत्य है ये? हमारी आंख सत्य नहीं है। अगर सत्य होती तो सूर्य कैसा लगना चाहे हमको? पृथ्वी से भी बड़ा दिखना चाहे, लेकिन हमारी आंख अपूर्ण है। हम प्रत्यक्ष आंख से हम सत्य देख नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी हमको कहां भगवान दिखते हैं? क्या बोलते हैं? हमको कहां भगवान दिखते हैं, हम कैसे मानें? तो क्या आंख से दिखने वाले आपको सच मानेंगे? आपने कभी गांधी जी को देखा है? अपनी आंख से देखा है गांधी जी को? नहीं। फिर भी हम मानते ना गांधी जी थे। एक बार एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे, तो टीचर ने देखो माता जी हो प्रेरित, मैं आपको रात जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं, आप बातें मत कीजिए अंदर अंदर, क्योंकि आप बातें करते तो दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। प्लीज आप बात मत कीजिए, डेढ़ घंटे की बात है, फिर आप जो भी बात करना बाहर जाके कर सकते हो, ध्यान दीजिए। तो टीचर सब बच्चे बैठे थे, तो टीचर ने बोला कि देखो बच्चों, जो भी हमको दिखता है ना वो क्या है? सत्य है। और जो नहीं दिखता है वो असत्य है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों ने बोला यस टीचर।
टीचर ने बोला कि देखो रूम में थे तो कहा कि बेटा बच्चों मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या बताइए कि आपको सूर्य दिखता है यहां से? तो बच्चे ने बोला नहीं, सूर्य नहीं दिखता है। तो टीचर ने बोला सूर्य नहीं है। फिर बोला बाहर जाके देखोगे तो सूर्य दिखेगा? तो बोला हाँ दिखेगा। तो है जो आपको दिखते हो सत्य, जो नहीं दिखता है असत्य है। तो बोलिए बच्चों आपको भगवान दिखते हैं? तो बच्चों ने बोला नहीं। तो बोला नहीं है तो क्या बोला भगवान ने? उसमें एक बच्चा था जो कभी इसको मंदिर जाता होगा और भगवत गीता पढ़ी होगी, भक्तों का संग किया होगा, बच्चा छोटा, वो खड़े होकर उसने हाथ ऊपर किया कि टीचर मेरा प्रश्न है। तो अच्छा बोलिए क्या प्रश्न है? तो टीचर ने बोला आपसे प्रश्न नहीं है। टीचर को बोला कि मेरा जो प्रश्न है वो आपसे नहीं है, किससे है? तो बोला ये प्रश्न मुझे ये सब मेरे मित्र स्टूडेंट से। तो बोला पूछिए। तो सब स्टूडेंट को बोला, सब स्टूडेंट को बोला उस बच्चे ने, हे मेरे मित्रों आप बताइए कि मैडम कह रही है, मतलब टीचर कह रहे हैं कि जो दिखने वाली चीज सत्य है, तो क्या आप सबको टीचर का दिमाग दिखता है? तो सब बच्चे ने बोला नहीं। तो बच्चे बोला नहीं है, इसका दिमाग ही नहीं है, समझे? इससे हर चीज हमको जो आंख से दिखती है वही सत्य, ऐसा नहीं है। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी जो इंद्रिया है, मतलब कान है, तो कान से हम कितना सुन सकते हैं? थोड़े दूर तक सुन सकते हैं। बहुत दूर व्यक्ति होगा और आवाज देगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, या फिर हम उल्टा सुनेंगे। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हमारी जीवा है, हमारी जीवा है तो वो भी हमको क्या करती है, वो भी अपूर्ण है। कोई व्यक्ति अगर गुड़ खाएगा, क्या खाएगा? गुड़ खाएगा। गुड़ खाने के बाद चाय पिएगा तो है ना अपूर्ण इंद्रिया। हमारी इंद्रिया पूर्ण नहीं है, पूर्ण होती तो गुड़ भी मीठा लगना चाहिए और चाय भी, हमारी अपूर्ण इंद्रिया है। तो इस अपूर्ण इंद्रिया के द्वारा हम, आपने देखा होगा आप म्यूजियम में जाते हो ना तो कांच होते हैं, वो कांच के सामने खड़े रहते कैसे लगते हो? मोटे लगते हो, ठीन लगते हो, ना देखा आपने कांच ऐसे? तो हमारी अपूर्ण इंद्रिया के द्वारा हमको ये सब दिखता है। इससे प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उस प्रमाण के द्वारा हम ज्ञान सत्य प्राप्त नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा मन यहां रखना, क्योंकि आप यहां बैठे हो शरीर से। अगर आपका मन माता जी का घर में होगा, बर्तन बाकी है, या प्रभु जी का ऑफिस में कुछ काम बाकी, किसी से पैसे लेने, तो आप पूर्ण समझ नहीं सकोगे। इसलिए आपका मन भी यहां रखिए। तो प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों की अनुभूति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ज्ञान सत्य प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? तो ये जो देखो, मैं आपको खाली प्रश्न पूछूंगा, ये जो पहला ऊपर का जो पहला दिखा इस साइड का ये वाला, ठीक है, वो आपको क्या दिखता है तो बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। यस गुरु जी, क्या दिख रहा है आपको? त्रिकोण, प्रभु जी को त्रिकोण दिख रहा है। और आपको गुरु जी बताएगा क्या दिख रहा है? एक तो त्रिकोण दिख रहा है, बताएगा। यस माता जी, यस वो तरबूज जैसा ना दिख रहा है, ठीक है। और कोई? यस बोली, बैठ के कोई बात नहीं, क्या दिख रहा है? वो जो रहे हो इसमें चिड़िया जो होता है ना पत्ते, नाक के जो पत्ते होते चिड़िया। यस सर, मतलब त्रिकोण जैसा आपको दिखता है, तरबूज दोनों दिखते हैं। और किसी को? यस माता जी, माता जी को तीन चीज दिख रही है, ठीक है। किसी को एक चीज दिख रही है त्रिकोण, किसी को तरबूज जैसा दिख रहा है, किसी को तीन चीज दिख रहे हैं, है ना? अगर हमारे इंद्रिय पूर्ण होते तो हमको क्या दिखना चाहिए, है ना? हमारे एक इंद्रियों के द्वारा एक ही चीज कैसे दिख रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। उसके नीचे देखिए क्या है ये, कौन बताएगा? कौन बताएगा? यस माता जी, यस बोलिए, हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे आप अनुमान मत लगाइए। यस माता जी बोलिए, दो चीजें दिख रही
दो चेहरे माता जी को दिख रहे, और कोई नहीं। अरे बोल, देखो आपको बोलना नहीं है, उसने जवाब दिया तो उसको ऐसे पूरा आप जवाब देना है, पूरा ठीक है। यस माता जी, दो बॉटल दिख रही है और दो चेहरे भी दिख रहे हैं। यस माता जी, हाँ दो बॉटल और चेहरा, और आपको किसी को, हाँ कब दिख रहा है ये, किसी को कब दिख रहा है, किसी को दो चेहरे दिख रहे हैं, तो क्या है ये, है ना। इस आंख से हम सच्चा दिशा नहीं ले पा रहे हैं, सब कंफ्यूज हो रहे हैं, उस साइड देख रहे हैं ना, वो साइड क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, हाँ लड़का, एक माता जी बोले लड़का दिख रहा है, और कुछ को, यस लड़की दिख रही है, और यस प्रभु जी ने बोला लड़की भी है और बुढ़िया भी है, एक ही चेहरे में क्या दिख रहा है, दो चीज दिख रही है, हमारे कैसे अपूर्ण इंद्रिया है, और नीचे हाथी, हाथी के कितने पाव है, यस बोलिए, आठ पाव है, ये बोले आठ पाव है, कौन बोला है? वो तो हमको बताइए चार पाव है, लेकिन दिक्कत ना रहा है, है? पांच, पांच दिख रहा है, और सात, छह, छह, सोचिए ये हमारी इंद्रिया है, ये हमारी हरिबोल प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारी इंद्रिया है, इस प्रत्यक्ष अपूर्ण इंद्रिया से हम सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारी अपूर्ण इंद्रिया जो मिली है उससे हम सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अपूर्ण इंद्रिया भ्रमित होना, हमारे चार दोष है, जो मनुष्य है उसके कितने दोष है, चार दोष है, अपूर्ण इंद्रिया, भ्रम, भ्रमित होना, भूल करना और धोखा देने की वृत्ति, ये चार हमारी त्रुटियां है, ठीक है। तो भ्रमित होना है ना, हम कोई दवाई लेते हैं और हमको कोई रोग हुआ है, दवाई लेते हैं तो हमको लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन जैसे उसका असर दो तीन घंटे के बाद उतर जाएगा तो क्या होगा, वापस दर्द चालू हो जाएगा, है ना। तो हम भ्रम में रहते हैं, कहीं सांप होता है तो सांप के जगह अंधेरे में क्या दिखते हैं हमको, रस्सी के जगह सांप और सांप के जगह कभी रस्सी दिखते, तो भ्रमित हो जाते हैं, पेन किलर उससे हम भ्रमित रहते हैं। कभी हम कोई रूम में जाते हैं तो वहां एक व्हाइट चादर बिछाई हुई है, कोई कचरा होता है उसके ऊपर एकदम श्वेत चादर बिछाई हुई होती है, तो हमको क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा, कुछ सुंदर चीज होगी, लेकिन खोलेंगे तो क्या लगेगा, क्या होगा, कचरा होगा, है ना। तो ऐसा है हमारा भ्रम है, हम भ्रम में रहते हैं। और दूसरा है भूल करना, दूसरे क्या वृत्ति है हमारी, भूल करने की। कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे कभी भूल की ना हो, है कोई व्यक्ति ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा है आपको जानना है, एक व्यक्ति ऐसा जानना है आपको, तीसरे दिन आपको जाना होगा, कल और परसों जाना होगा कि वो व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो भूल करना मनुष्य का एक त्रुटि है, स्वभाव है। देखो न्यूटन को जानते हो, वैज्ञानिक न्यूटन, और न्यूटन अपने रूम में बैठा था, रूम में बैठा उसने देखा एक बिल्ली उनके घर में घूम रही थी, और उनके रूम में तीन, घर में तीन चार रूम थे, तो उसने अपने रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए छेद कर दिया, जिससे जो बिल्ली है वो एक रूम से दूसरे रूम जा सके। तो ऐसा उसने किया न्यूटन, है ना। हम, हमारे पास 100% बुद्धि है, हम 1% यूज नहीं करते हैं, लेकिन न्यूटन 6% बुद्धि यूज करता था, इतना बुद्धिशाली था व्यक्ति। वो व्यक्ति ने वो छेद निकाला और बिल्ली एक रूम से दूसरे रूम आती जाती थी। तो थोड़े समय के बाद वो बिल्ली को बच्चा हुआ, जैसे बच्चा हुआ बिल्ली को, तो न्यूटन ने क्या किया, दूसरा छेद निकाला छोटा, कि बिल्ली का बच्चा भी आएगा और जाएगा उनके लिए, तो कितने छेद हो गए, दो हो गए। फिर न्यूटन ने देखा कि जो बिल्ली जिस छेद से आ रही है उसकी बच्चा भी, उसको इतना बुद्धि नहीं आई कि भाई इतना बड़ा छेद है तो जिस छेद से बिल्ली निकल सकते उस छेद से बच्चा भी, लेकिन उसने क्या किया, कर दिया, भूल किया ना बड़ा। गांधी जी को देख लीजिए,
गांधी जी को कहा गया था कि आप आज प्रार्थना सभा में मत जाइए, बोला था कि आज आप पे खतरा है, बोल दिया था जाना ही नहीं आपको, लेकिन फिर भी गांधी जी वहां गए। वो भूल किया, पद्मथुराम ने उसको मार दिया। तो भूल करते, बड़े बड़े लोग भी भूल, क्योंकि भूल करना इस मनुष्य का स्वभाव है, भूल करता ही है ना। और चौथा है धोखा देना, धोखा देने की वृत्ति सब में। वैज्ञानिक कहते हम चंद्र में गए, कहां गए, चंद्र पे। अभी मैंने ऐसा भी सुना है कि उस पे केस होने वाला है कि चंद्र पे कोई भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता में कहते हैं कि ये वैज्ञानिक एक ऐसा कहते हैं चंद्र पर सूर्य पर गए दूसरे ग्रह पर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7.25 में यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। कहते भगवान कि जिसको देवताओं के लोक में जाना है उसको किसकी पूजा करनी पड़ेगी, देवताओं की। जिसको भूत लोक में जाना है उसको भूतों की पूजा करनी पड़ेगी, जिसको पितृ लोक में जाना उसको हाँ। लेकिन कहने का तात्पर्य भगवान के कि शरीर छोड़ना पड़ेगा आपको, जब तक शरीर नहीं छोड़ते तब तक आप कोई लोक में जा नहीं सकते। वैज्ञानिक गए थे चंद्र लोक में कह रहे हैं, और कहे वहां कुछ नहीं है, वहां क्या है, धूल है। क्या है, और धूल लेके आए, क्या है, क्या है, और धूल हमको दिखाई, और बोले अब दूसरी बार भी हम जाएंगे। हाँ दूसरी बार भी जाएंगे, जाके लाएंगे क्या, धूल ही लाएंगे, क्योंकि वहां उनकी एंट्री नहीं हो सकती है चंद्र लोक में, असंभव है। क्योंकि जिसने एक जीव बनाया है इस ब्रह्मांड, उसने बोल दिया कि शरीर छोड़े बगैर कोई जा नहीं सकता है, और वैज्ञानिक जाने का प्रयास कोई नहीं सकता। ये हमको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ना? और किसने बोला है क्या मनुष्य बंदर में से आए हैं, किसने बोला है, डार्विन ने, क्या बोला है, मनुष्य बंदर में से आया है। अगर मनुष्य बंदर में से आया है तो अभी बंदर नहीं है, चाहिए वृंदावन है ना, बहुत है बंदर, अभी नहीं है बंदर, है ना बंदर, तो अभी क्यों नहीं बन रहा है बंदर से मनुष्य। अगर डार्विन कहता है कि बंदर से मनुष्य बंदर से आए हैं तो अभी क्या बंदर नहीं है। आपने देखा 25-30-35 साल यहां 50-60 साल के हो गए हो, आपने देखा कभी कि बंदर से मनुष्य हुआ हो, लेकिन ये आपको क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। शास्त्र कहता है श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो पढ़ लीजिए, हम मनु के पुत्र है, मनु की संतान है, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु की उत्पत्ति हुई, मनु और शतुपा के द्वारा मनुष्य की सृष्टि हुई है। श्रीमद् भागवतम पढ़िए, पुराण पढ़िए, ना? लेकिन वैज्ञानिक तथाकथित वैज्ञानिक कहता है कि मनुष्य कहां से आया है, बंदर से। हम सब मान लेते हैं, तालियां बजाते हैं, विदेश में जाइए, विदेश में बंद हो गया है, इस पे बैन लग गया है, लेकिन भारत में अभी भी वो पढ़ाते हैं। एक भयंकर धोखा दे रहे, लेकिन हमारी बुद्धि खुल रही। तो मनुष्य की चार त्रुटियां है, ठीक है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, हाथी दिख रहे हैं और छह अंधे हैं, कौन है, छह अंधे। तो एक अंधे ने हाथी का दांत पकड़ा, क्या पकड़ा, दूसरे हाथी ने, दूसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ी, तीसरे ने हाथी का कान पकड़ा, चौथे ने हाथी का पीठ पकड़ा, पांचवे ने पैर पकड़ा, छठे ने पूंछ पकड़ी, और छह छह कैसे हैं, अंधे हैं। जिसने दांत पकड़ा उसको क्या लगा, हाथ में क्या आ गया है, हाथी कैसा है, चप्पू, क्या बोलते उसको, चप्पू जैसा है हाथी, उसने अनुमान लगाया हाथी कैसा है। जिसने सूंड पकड़े उसने क्या अनुमान लगाया, हाथी कैसा है, पानी की नौजल की जैसा है, हाथी कैसा है, नौजल जैसा। जिसने कान पकड़े उसको क्या दिखा है, सूपड़े जैसा, हाथी कैसा है। जिसने पीठ उसको क्या लगा, हाथी कैसा है, दीवार जैसा है। जिसने पैर पकड़े हाथी कैसा है, खंभे जैसा, और जिसने पुष्प पकड़े हाथी कैसा है, सांप जैसा है। ये छह लोग अंधे हैं, छह छह ने अनुमान लगाया, अनुमान सत्य है उनका, हाथी ऐसा है नहीं। वैसे हमारी सबकी इंद्रिया है अपूर्ण है, और अज्ञान के कारण, अज्ञान में होने के कारण हम अपने अनुमान के कारण क्या कहते हैं, ये ऐसा, हम ऐसा मानते अनुमान लगाते हैं। देखो एक पैक रूम होता है, पैक रूम,
उसमें अगर कोई शोर शराबा होता है तो हम बाहर से अंदाज लगाते हैं व्यक्ति कि अंदर कोई फाइट कर रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति हम अनुमान लगाते हैं कि फाइट नहीं कर, अंदर टीवी चालू है। फिर अनुमान करते हैं टीवी नहीं चालू, अंदर रेडियो बज रहा है, अनुमान करते हैं। लेकिन फिर वास्तव में पता चलता है कि कोई वहां टीवी भी नहीं चालू है, रेडियो भी नहीं चालू है, वहां कोई लड़ भी नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं? ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अनुमान लगाया, लेकिन अनुमान सत्य नहीं होता है। जो डार्विन है ना, 1857 में पत्र लिखा है डार्विन ने, उसकी बुक्स ने, उसकी बुक्स का नाम था, अभी भी आप मिल सकती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऐसा कुछ नाम है। वो कहता है कि 1857 में पत्र लिखा कि ये सब मैंने जो भी आपको कहा है क्या है? कल्पना है, अनुमान है, और अनुमान के अलावा हम कुछ सत्य को जान नहीं सकते, उसने ऐसा लिखा है। और जो 1844 में वो डार्विन कहता है कि मैंने कल्पना की है, क्या कल्पना की है? कि बंदर से मनुष्य आता है। और उसने ये भी बोला है कि मनुष्य की उत्पत्ति आज से 40,000 साल पहले हुई। कितने? 40,000 साल पहले। किसने बोला है? डार्विन। 40,000 साल पहले वो था, 40,000 साल पहले। फिर क्या कर रहे हो? खाली अनुमान कर रहे हो। अनुमान अति अपूर्ण है, इंद्रिय हर मास के शरीर से क्या कर रहा है? अनुमान कर रहे हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं? उसको सत्य मानते हैं। इस अनुमान किया हुआ ज्ञान कैसा है? अपूर्ण है। प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण है, लेकिन दोनों कैसा है? अपूर्ण है। तीसरा कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण। जो शब्द प्रमाण है वो कहां से आता है? प्रामाणिक सत्ता से आता है। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप दोपहर सुबह से घर से निकल गए हो और दो शाम का 4 बज गया है, और आप अपने घर में क्या बीवी ने पकाया है वो आपको देख रहे हैं, आप देख सकते हो घर में? आप अगर 50 किलोमीटर दूर हो तो आप देख सकते हो? नहीं, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान आप नहीं कर सकते। फिर आप अनुमान लगाते हो कि आज मेरी बीवी ने चपाती और बैंगन की सब्जी बनाई है, तो क्या सत्य है? अनुमान से क्या सत्य हो सकता है? नहीं। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति, आपका लड़का या आपका भाई, कोई भी घर से तत्काल वहां से फोन करे या वहां आए आपके पास और बोले कि भाभी ने ये सब्जी और ये बनाया है, तो क्या सत्य होगा? यस, ये शब्द प्रमाण है, ये अधिकृत सत्ता है। जब अधिकृत सत्ता से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तब ये ज्ञान पूर्ण होता है। जब ऐसे ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तब जाके हमको परम सत्य का ज्ञान मिलता है, और हम जन्म मृत्यु जरा के छूटने का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण में है ना शास्त्र प्रमाण है। देखो यहां से अगर कोई व्यक्ति कहे कि अजमेर 120 किलोमीटर है, सरकार ने बोर्ड लगा दिया अजमेर 120 किलोमीटर है, आपको मानना पड़ेगा? यस। अगर आप कहते हो नहीं प्रभु जी, मैं कुछ मानने वाला नहीं हूं, मैं मानने वाली नहीं हूं, तो ठीक है, तो तुम नापना चालू कर दे अजमेर तक। मानना पड़ेगा, क्योंकि अधिकृत सत्ता कौन है? सरकार। उसने ऑलरेडी माप चुका है कि अजमेर 120 किलोमीटर, आपको उसके बाद मानना ही पड़ेगा, है ना। मान लीजिए इस बोर्ड में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वहां लिखा है ना कि यहां छूना नहीं चाहिए, ये डेंजर है। क्या बोर्ड क्या लिखते हैं उसमें? खतरे से सावधान। यहाँ 420 वोल्ट है, आप छोड़ोगे तो आपको झटका लगेगा, मर जाओगे, है ना, ऐसा लिखा है, सरकार ने वहां बोर्ड मारा है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं नहीं, मैं नहीं मानते सरकार बरकार, हट, नहीं मानते तो छू के देख ले, है ना, फिर है ना बोलने लायक रहेगा तो कहना नहीं चाहिए। सरकार ने ऑलरेडी वहां बोर्ड लगा है डेंजर, वहां छूना नहीं, 420 वोल्ट है, लेकिन छूओगे तो झटका देगा। अधिकृत सत्ता है ये, है ना, ये अधिकृत सत्ता से हम, कोई व्यक्ति अगर माने प्रामाणिक सत्ता कहते कि समस्त जो मनुष्य है वो मर्त है, समझे मेरी बात, समस्त जीव मर्त है, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, वो मर्त है, जीव मृत है। लेकिन कोई व्यक्ति कहेगा नहीं मैं नहीं मानता सर, ये सब नहीं मानता, तो नहीं मानता तो आप रिचेस कर ले, कितने का रिचेस करेगा,
नहीं कर सकता सबका रिचर्ज। रिचर्ज करने बैठेगा तो खुद आज तो करो खुद मरने वाला है, रिचर्ज नहीं कर सकता। लेकिन प्रामाणिक सत्ता ने कहा कि मनुष्य कैसा है, मरता है, निश्चित मृत्यु निश्चित आने वाली है। वो प्रामाणिक सत्ता ने बोल दिया है जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, जिसका जन्म उसका मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, प्रामाणिक सत्ता ने बोल दिया है। अब मानते हो? जवाब नहीं आ रहा है। आप सब बुद्धिशाली हैं, उस व्यक्ति की तरह नहीं हो कि आप अभी टेस्ट करो ना। तो अगर प्रामाणिक सत्ता कहते हैं कि मनुष्य मरता है तो उसका मानना चाहिए मनुष्य मरता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि अगर कोई बच्चा कहे कि मेरे पिता कौन है, बच्चा कहे कि मेरा मेरे पिता कौन है तो कौन बता सकता है? हाथ ऊपर कीजिए। यस माता जी, ओके माता जी कहती है उसकी माँ बता सकती है। इसके जवाब में आगे कितने हैं लोग? सब हरि बोल। कौन बता सकता है? माँ बता, माता के अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता कि पिता कौन है। एक बच्चा ने पूछा कि माता मेरा पिता कौन है तो क्या कहा? ये गदा वाला तेरा पिता है। माता बता सकती है, माता बता सकती है कि तेरे पिता कौन है ना। वैसे जो अधिकृत सत्ता है मतलब जो शास्त्र है ना, वो बता सकते हैं कि आपके परम पिता कौन है, वास्तविक आप कौन हो, दुखी क्यों हो, इस जन्म मृत्यु से छूट कैसे सकोगे, वो कौन सिखा सकता है? वेद। वेद हमारी माँ है और वेद हम जैसे एक माता पिता का एड्रेस दे सकते हैं, वैसे वेद कौन है? हमारी माँ है और वेद हमारे सच्चे पिता के पास हमको ले जाएंगे। ये वैदिक ज्ञान, ये शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण से हमको जानना चाहिए कि वास्तविक क्या है। वैदिक साहित्य संपूर्ण विषयों का समावेश है ना, अनेक प्रकार के ज्ञान, सामाजिक, आर्थिक है ना, वैज्ञानिक, जो भी ज्ञान चाहिए आपको कहां मिलेगा? वैदिक साहित्य में। और वैदिक साहित्य में 100 खरब श्लोक है। कितने? 100 खरब श्लोक है। मैं आपको कल थोड़ा सा हिट दूंगा इस तरह से। वेदव्यास जी ने अनेक शास्त्रों की रचना की, जैसे 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत और मूल रामायण, अनेक शास्त्रों की लिपिबद्ध आज से 5000 साल पहले किया है। इससे पहले जो शास्त्र थे ना, वो शास्त्र थे ही, लेकिन कैसे थे? श्रुति में थे। कैसे? श्रुति शास्त्र थे, मतलब एक गुरु शिष्य तो कहता था, शिष्य उसको याद रख लेता था। लेकिन अभी वेदव्यास जी ने देखा, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य वस्मिन युगे जना मंदास मंद मतिय मंद भाग्य उपद्रता, कि मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है? मंद, एकदम मंद हो गई है। अल्प आयुष्य, कलयुग में कितनी आयुष्य है? 100 साल की। कितने लोग जीते 100 साल? है ना, 55 साल का तो हरी बोल है ना, खटिया में पड़ा होता है व्यक्ति, नहीं जी सकते है। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य वस्मिन युगे जना मंदा, एकदम मंद है ना, भोग करना है, खाना पीना ऐश आराम करना है तो उसमें अव्वल नंबर, और जैसी धर्म की बात आती है तो उसको नींद आ जाती है ना, होता ना ऐसा? जैसे कुछ हमारे कल्याण की बात आती है, शास्त्र की, धर्म की बात है, हमको नींद आने लगती है, और जैसे पिक्चर चालू होता है धूम मचा लो ना, तो उसमें तो 4 आंखें हो जाती है, वहां तो नींद ही नहीं आती है ना। कोई व्यक्ति कहता है कि पिक्चर देखने जाते हैं तो कहते हैं कि आज ये पिक्चर जो है ना देखने जाते हैं ना, वो पिक्चर तुझे पता है 4.25 घंटे का है, तो नाचने लगते हैं, वाह वाह 4.25 घंटे। इस थिएटर में अंधेरे में बिठाते हैं 500 रुपया लेके, 500 रुपया आपके पास लेके क्या करते हैं? अंधेरे में बिठाते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? मंद, एकदम मंद हो गया। इससे वेदव्यास जी ने सोचा कि मंद बुद्धि है। आप सोचिए, कल आपने जो सुना, कल आपने सुना, उसमें से आपको थोड़ा सा याद रहा होगा, वो भी आप लिख रहे हो इसमें, वरना क्या होता है? इकड़ून तिकड़ून, महाराष्ट्रीय भाषा में इकड़ून तिकड़ून, भूल जाते तुरंत। अरे ऐसा कल क्या खाया था सुबह, वो भी भूल जाते हो, ऐसी बुद्धि होगी हमारी, ऐसी बुद्धि हमारी है, वो किसको पता था?
वेदव्यास जी को। इसलिए वेदव्यास जी ने समस्त वेद को क्या किया, लिपिबद्ध किया, लिखा वेद, है ना, वेद लिखा। लेकिन वेद लिखने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण सोचा कि ये सब वेद लिखा तो है लेकिन फिर भी ये लोग टाइम नहीं है, अगर सुबह जगते जगने के बाद स्नान करने का भी टाइम नहीं है, है ना, गोली ले लेते स्नान करने की, ऐसा करते भगवान को प्रणाम करते भाग जाते, टाइम ही नहीं है किसी का। इससे भगवान ने समस्त वेदों का सार क्या दे दिया है, श्रीमद् भगवत गीता, ये क्या है, सार दिया है। आपको अगर मैं 3 ग्लास दूध पीने को बोलूं तो आप पी जाओगे 3 ग्लास दूध आप पी जाओगे, लेकिन 3 ग्लास रबड़ी पीने को बोलूं तो रबड़ी पी भी जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। वैसे भगवान ने समस्त शास्त्र का मंथन करके क्या निकाला है, रबड़ी निकाली है। इसको क्या करना है, धीरे धीरे पान करना है। अपनी बुद्धि से नहीं होगा, अपनी बुद्धि से नहीं हो सकता है। देखो ये अच्युत ज्ञान है, क्या है, वैदिक अच्युत ज्ञान है ना। आप अगर एक कोई फोर व्हील गाड़ी लेते हो तो उसके साथ क्या आता है, एक बुक्स आते हैं, मैनुअल आते हैं, उसको पढ़कर हमको फोर व्हील को जानना है और फिर चलाना है। वॉशिंग मशीन खरीदते हो उसके साथ क्या आता है, मैनुअल आता है। मोबाइल लेते हो तो मैनुअल आता है। तो एक छोटी छोटी जो भौतिक चीज है उसके लिए भी क्या आता है, मैनुअल आता है। इसमें भगवान ने इस मनुष्य जीवन को जीने के लिए क्या दिया है, मैनुअल दिया। कौन सा मैनुअल है, श्रीमद् भगवत गीता। मनुष्य जीवन कैसे जीना है वो कौन बताएगा, श्रीमद् भगवान ने मैनुअल दिया है ना, मैनुअल दिया है, इसको पढ़ के जीवन जीना है। लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हम श्रीमद् भगवत गीता पूछते पूछते भगवत गीता पढ़िए तो बोलते है हमारे पास, अच्छा कहाँ है, मंदिर पर पड़ी है ना। हम उसके घर जाएंगे, मैं तो देखा है, हम सूरत में थे, मैं गुजरात में, तो सूरत में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते, हम कहते प्रभु जी भगवत गीता ले लीजिए, फिर हमारे पास है, अच्छा दिखाइए, तो वो अंदर जाकर लेने के लिए तो हम पीछे पीछे जाते हैं, उसके घर में घुस जाते हैं, हम देखते हैं कहाँ पड़े हैं, मंदिर के ऊपर पड़े हैं, और हम कहते माता जी प्रभु जी ठहरिए मैं उठाता हूँ, और हम उठाते हैं तो भगवत गीता पर किलो तो धूल पड़ी होती है ना, उसको हम धूल, बोले भगवान ने इसको पढ़ने के लिए दिया है, घर में रखना भी ठीक है, लेकिन क्या करना है, इसका पढ़ोगे तब कल्याण होगा इनका, इसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवान ने मैनुअल दिया, इसको पढ़ के जीवन जी सकते। मैंने कल आपको बताया कि भगवान ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी, आपके जीवन, आपकी ये जो दिमाग है ना हमारा, उसमें जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी प्रश्न है ना, उसका सॉल्यूशन यहां दे दिया है, पढ़ के देखिए, है ना। विदेशी लोग मूर्ख नहीं है, विदेशी लोग हमसे भी बुद्धिशाली है, उन लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को अपनाया। अभी देखिए वो लोग भगवान के नाम में, भगवत गीता में भागवतम पढ़ के नाच रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, आप जाइए, है ना। हमको कुछ पता नहीं है, हमको कितना पता है, मेरे हम दो और हमारे, मेरी ऑफिस और मेरा घर, बाकी सब भाग में जा, कुछ मालूम नहीं है, बाहर निकले आपको पता चलेगा, है ना। जो व्यक्ति को पता नहीं था भगवत गीता क्या है, व्यक्ति अभी भगवत गीता के अकॉर्डिंग जीवन जी रहा है, भगवान को ये शब्द प्रमाण का ज्ञान प्राप्त करके। तो यह भगवद गीता ये अच्युत ज्ञान है, क्या है, अच्युत वेदिक ज्ञान है। तो इस तरह से देखो, अच्युत मतलब जो च्युत ना हो, और जो अच्युत ज्ञान लेने के कारण व्यक्ति भी क्या हो जाता है, अच्युत हो जाए। अच्युत किसका नाम है, भगवान का नाम है। अर्जुन ने भी भगवान को क्या बोला है, अच्युत बोला, सैन्योर उभयोर मध्ये रथ स्थापत्य में अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ स्थापित करो है अच्युत भगवान। इससे जो अच्युत ने बोला वो कैसा ज्ञान है, अच्युत ज्ञान है, और जो एक अभी के स्कूल कॉलेज का ज्ञान क्या है, च्युत ज्ञान है। कैसा है, च्युत ज्ञान है। जीवन की वास्तविक समस्या क्या है, बोल गए, बोलिए तो जोर से बोलिए, खुल के बोलिए, पता चल गया जन्म मृत्यु जिरा है, अभी भी संशय है कुछ तो जन्म मृत्यु जरा वह छूटने के लिए हमको ये च्युत ज्ञान काम में नहीं आएगा। स्कूल कॉलेज का ज्ञान हमको काम में नहीं आएगा। स्कूल कॉलेज का ज्ञान हमको कहां ले जाएगा, बंधन में डालेगा, है ना, बॉस के यहां नौकरी कराएगा,
हमको क्या करेगा, वो बंधन में डालेगा। लेकिन जो अच्युत ज्ञान है भगवत गीता, भगवान ने जो दिया है वो ज्ञान हमको क्या करेगा, मुक्ति दिलाएगा। इसे बोलते हैं इसको अच्युत ज्ञान, ये अच्युत ज्ञान है। और जो भी वेद शास्त्र में है ना, अभी के वैज्ञानिक है वो क्या बोलते हैं कि हम भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। एक पुरुष का वीर्य और माता का रज मिलाकर एक माता के गर्भ में स्थापित करते विज्ञानी, और क्या करते हैं, पुत्र उत्पन्न करते हैं। लेकिन पुत्र उत्पन्न करने के कारण क्या है, रज और वीर्य है। और रज और वीर्य किसने बनाया है, विज्ञानी ने बनाया है नहीं, किसने बनाया है, भगवान ने बनाया। वो लोग कहते हैं कि हम भी कर सकते, क्या कर सकते हो नहीं, लेकिन हमको क्या कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। महाभारत में आप देखिए, महाभारत में गांधारी के गर्भ में बालक था, है ना, अभी कच्चा बालक था, लेकिन कुंती को जैसे 5 पुत्र हो गए तो इनको भी पुत्र चाहिए था। उस अपने पेट को मारने लगी और अपने घर से लोथड़ा, क्या बोलते हैं उनको, मांस का लोथड़ा निकला, रोने लगी। वेद व्यास जी को प्रार्थना किया, वेद व्यास जी ने तो लोथड़े का कितना टुकड़ा किया, 100 टुकड़े किए, और 100 टुकड़े किए। कौन बोले, 100 टुकड़े किए, कितने, 100 टुकड़े किए, और 100 टुकड़े जो थे वो घी के बर्तन में डाले, और मंत्र के आह्वान के द्वारा वेदव्यास जी ने उस मांस के लोथड़े से क्या प्रकट करा दिया, 100 पुत्र। कर सकते वैज्ञानिक, ये है वेदव्यास जी। और ये वेदव्यास जी ने सारे शास्त्र का निरूपण किया है, समझा। और वेदव्यास जी भगवान के, मतलब भगवान ही है, वेदव्यास जी भगवान ही है। और चतुर्मुखो ब्रह्मा, 4 मुख नहीं है लेकिन कौन है, वो ब्रह्मा है। सिर पे 3रा नयन नहीं है लेकिन फिर भी कौन है, वो शिव है। कौन है, भगवान बादराय। वो वेदव्यास जी ने सब शास्त्रों का निरूपण किया है। आप देखते हवाई जहाज वैज्ञानिक ने बनाया, कौन है उसका नाम पता है किसी को, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया और लोग उसकी वाह वाह करते हैं, है ना। मैंने कल बोला था रावण भी प्लेन लेके घूमता था ना उनके पास। तो ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक ने बनाया तो पहले था ही नहीं, राक्षस भी प्लेन उड़ाते थे, शास्त्र कहता है, लेकिन हम उनकी वाह वाह करते हैं, है ना। हमको किसके पीछे चलना चाहिए, शास्त्र के पीछे, वेद के पीछे चलना चाहिए। वेदव्यास जी ने दिया है ना, मैं आपको अभी एकदम क्लियर करता हूं, जो भी है वो एकदम क्लियर करता हूं धीरे धीरे। देखो ये आप दृश्य देखो, ये कल मैंने आपको दिखाया था माता के गर्भ में बच्चे की क्या स्थिति होती है। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, माता के गर्भ में पिता वीर्य का स्खलित करता है, अंदर जब वीर्य जाता है ना, तब से लेकर बालक जब बाहर आता है ना माता के गर्भ में 9 महीने के बाद, तब की स्थिति श्रीमद् भागवतम के 3रे कैंटो में कपिल भगवान ने निरूपण की है, आप पढ़ सकते हो। श्रीमद् भागवतम 3रा कैंटो 25 से लेकर 30 अध्याय आप पढ़ सकते हो, निरूपण पूरा कर दिया है। लेकिन अभी के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि 5 महीने के बाद बालक में क्या आता है, जीव आता है, ऐसा बोलते वैज्ञानिक। लेकिन शास्त्र कहता है जैसे ही पिता अंदर वीर्य स्खलित करता है तुरंत जीव एंट्री हो जाती है। अगर वो जीव एंट्री नहीं होती है ना, देखो मेरी बात, पत्थर होता है, वो पत्थर है, वो कभी बड़ा हो सुना आपने, पत्थर बड़ा हुआ होता क्यों, क्योंकि उसमें जीव नहीं है, ठीक है। तो ये जो बेर जैसा अंदर जीव होता है धीरे बढ़ता है, उसका कारण क्या है, अंदर जीव है, तुरंत वहां जीव प्रकट हो जाता है, ये भगवान के अरेंजमेंट है, समझा। ठीक है, विज्ञानिक क्या कहते हैं, सोचिए इनके पीछे हम चलते हैं क्या कल्याण होगा, है ना। ये श्रीमद् भागवतम कहता है। और अब देख रहे, प्लांट है लाइफ, वनस्पति में जीव है, शास्त्र कहता है जीव है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं मान रहे थे। जब जगदीश चंद्र बोस ने रिसर्च किया और जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि वृक्षों में जीव है, तब जाके वैज्ञानिक ने माना। करोड़ों रुपए का खर्च करके रिसर्च करके वैज्ञानिक बोलते कि जीव है और पौधे पत्ते में वृक्ष में जीव है। अरे शास्त्र में ऑलरेडी लिखा है ना, आगे जाके मैं कहूंगा आपको, कल 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 का जो टॉपिक वही आएगा, उसमें जीव है वृक्ष में, 20 लाख प्रकार के पौधे वृक्ष है जी, और प्लांट
फायर बैक्टीरिया, अग्नि में जीव है, नहीं मानते थे वो विज्ञानी, लेकिन ये किसने साबित किया? जगदीश चंद्र बोस, तब जाके विज्ञानी ने माना, लेकिन ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा है। सूर्य जो है इतना तपाता है, कितना दूर है ना, 9 करोड़ माइल दूर है, या फिर भी हम कितना तपाता है, उस सूर्य लोक में भी जीव है, मतलब अग्नि में भी जीव रह सकता है, शास्त्र कहता है। जीव जो ये पृथ्वी लोक है वैसे सूर्य लोक है, और सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं, ये शास्त्र कहता है ना। और क्या कहता है आखिर में, जो गाय है, गाय के मल मूत्र में भी क्या है, एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरिया। ऑलरेडी शास्त्र में लिखा है, लेकिन ये विज्ञान ने अनेक प्रकार का रिसर्च करके फिर उसने कहा कि है इसमें, अरे भाई पहले अंदर है ऑलरेडी, कौन सा लोक कहाँ है, कौन से लोक में क्या हो रहा है, कौन सा लोक की कहाँ जगह स्थित है, वो सब कुछ श्रीमद् भागवत के 5वें कैंटो पढ़िया, समस्त निरूपण किया विद्या जी ने, है ना। लेकिन वो पढ़ने से और सुनने से हमको नींद आ जाती है ना, हमको क्या आ जाती है, नींद आ जाती है, जो सत्य है। लेकिन ये वैज्ञानिक इतने खर्चा करने के बाद रिसर्च करते हैं और हम क्या करते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं। रूपा जी कहते हैं कि गधे को नोबल पुरस्कार, क्या बोलते थे, जो रिसर्च ऑलरेडी कर चुके, किया ही है भगवान, ये सब है, उनको पकड़ के आपके सामने रखते हैं कि हमने किया, और हम उसको क्या देते हैं, पुरस्कार। तो रूपा जी क्या बोलते थे, गधे को पुरस्कार, ये गधे है क्योंकि ऑलरेडी चीज सब कुछ है, लेकिन उसको पकड़ के आपके सामने रखते हैं क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, और आप क्या करते हो, उसकी वाह-वाह करते हो, यही वैज्ञानिक है ना। इसलिए वैज्ञानिक के पीछे नहीं चलना है हमको, किसके पीछे चलना है, वेद के पीछे चलना है, और वेद हमारी माँ है ना, नारद असित देवल व्यास ऋषि मुनि हो गए हमारे, है ना, और किसके पीछे चले है, वेद के पीछे चले है ना। लेकिन हम सब कथा करते वैज्ञानिक के पीछे चलते हैं, जो हमको मूर्ख बनाते हैं, इसे किसके पीछे चलना चाहे, शास्त्र के पीछे चलना चाहिए, ठीक है। देखो आश्चर्यजनक भविष्यवाणी है ना, श्रीमद् भागवतम पहला आप खुद अब पढ़ सकते हो, लिखने को लिख लीजिए, आप वहां घर जाकर पढ़ सकते हो। श्रीमद् भागवतम ने ये पहला कैंटो 3रा अध्याय 24वें श्लोक में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी के कलयुग, भगवान वेदव्यास जी ने लिख दिया है 5000 साल पहले, इतने समय के बाद बुद्ध भगवान उतार देंगे, ठीक है। महाभारत में लिखा है चैतन्य महाप्रभु कलयुग में उतार लेंगे, आए 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, 5000 साल पहले वेदव्यास जी लिखा है, ठीक है। और भागवत में भी लिखा है 11:5-32 में कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते हि सुमेधस, के कलयुग में भगवान चैतन्य के रूप में आएंगे और किसका निरूपण करेंगे, किसका प्रचार करेंगे, हरिनाम यज्ञ संकीर्तन। 500 साल पहले हुई भविष्यवाणी, सच्ची आश्चर्यजनक भविष्यवाणी। चाणक्य पंडित श्रीमद भागवतम में 12:1-11 उसके विषय में भी चाणक्य पंडित कब आएंगे और क्या क्या करेंगे वो भी लिखा है। सम्राट अशोक उसका भी निरूपण श्रीमद् भागवतम में हुआ है। जीसस क्राइस्ट भविष्य पुराण, मोहम्मद पैगंबर भविष्य पुराण, वो क्या करेंगे कब आएंगे वो सब कुछ निरूपण किया है। 5000 साल पहले वेदव्यास जी लिख दिया है, शास्त्र में ऑलरेडी लिखा है ये सब होगा और ये उतार रहा है ना। अन्न बाजार में बिकेगा, अन्न बाजार में बिकेगा, और जो जूते चप्पल होगा वो बिकेंगे शुरू में, हो रहा है अभी, ये भविष्यवाणी कलयुग की। खुद के पुत्र का मांस काटकर खाएंगे, अब ताइवान में जाइए, चीन में अभी भी है ना, एक फोटो मेरे ख्याल कल मैं दिखाऊंगा एंड में आपको, है ना। जो अपने पुत्र का एक फ्रेश ताजे शिशु का अभी भी जन्म है उसको धोकर काटकर उनको खाते हैं पकाकर, ये भविष्यवाणी कलयुग की है और ये हो रहा है। लावण्य केश धारण है ना, कि स्त्रियां जो हैं वो क्या करेगी, पुरुष के वस्त्र पहनेगी और पुरुष की तरह छोटे छोटे बाल रखेंगे, और पुरुष लावण्य केश है ना, बड़े बड़े बाल रखेंगे। तो ये कौन करेंगे, भविष्यवाणी है किसकी, कलयुग की। ये किसने लिखा है,
वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले इनके पीछे चलना है। देखिए सर, चाणक्य पंडित, हम वास्तविक ज्ञान कहां से प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान की दो पद्धतियां, ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, एक तो आरोप पद्धति मतलब प्रत्यक्ष और दूसरी अवरोप पद्धति शब्द प्रमाण। आरोप पद्धति है ज्ञान को प्रामाणिक सत्ता से नहीं सुनना और अपनी बुद्धि लगाकर ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करना। अभी मैंने बोला हमारी बुद्धि लगाएंगे, हमारे इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण। हम अपनी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। मैंने एग्जांपल भी दिया कि घर से अगर खाना पका कैसे हो। और अवरोह पद्धति, जो ज्ञान भगवान से गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है उनको आप स्वीकार कर लो। तो क्या है वो पद्धति? अवरोह पद्धति, है ना। मैंने बोला ना कि अगर घर से कोई व्यक्ति आए और बोले कि तेरे घर में ये सब्जी पकाई है, आप मानना पड़ेगा, है ना। वैसे ये जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अकॉर्डिंग जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तब जाके ये ज्ञान हमको सही सही मिलेगा। तो प्रश्न हो सकता है कि चलो वैदिक ज्ञान सत्य है, ठीक है। देखो अवरोह पद्धति, वैज्ञानिक अवरोह पद्धति अपनी बुद्धि से सब कुछ सत्य जानने का प्रयत्न करते हैं। और आरोप पद्धति क्या है? गुरु शिष्य परंपरा, एक व्यक्ति दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, पूरी परंपरा है। मैं आपको समझाता हूँ, ये वेदी जो वेदव्यास जी के द्वारा भगवान के द्वारा जो परंपरा है वो भी आपको दिखाता हूँ। अब एक प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में भगवत गीता का क्या महत्व है? क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको कि जो भगवत गीता है वो समस्त शास्त्रों का क्या है? सार है। जैसे मैंने आपको रबड़ी का उदाहरण दिया, है ना। कोई श्रीमद भगवत गीता रूपक नहीं है, भगवत गीता रूपक नहीं, ज्ञान और विज्ञान दोनों है। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय के 13 नंबर के श्लोक में कहा, अन्नात् भवति भूतानि, अन्नात् भवति भूतानि। जीव किससे चलता है? अन्न के द्वारा। जीव की जरूरत क्या है? अन्न। अन्नात् भवति भूतानि, अन्न कैसे प्रकट होगा? पर्जन्य अन्न संभव, जब बारिश होगी तब अन्न। बारिश कैसे होगी? अज्ञात यज्ञ अर्थात कर्म, जब व्यक्ति यज्ञ करेगा, यज्ञ का कर्म करेगा तब जाके बारिश होगा। भगवान ने ज्ञान के साथ क्या दिया है? विज्ञान, है ना। तो हमको एक गीता का जो महत्व है, एक तो मेन चीज है भगवान ने अपने मुख से बोला है। ये ज्ञान कहां से बोला है? मुख से बोला है, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से ज्ञान बोला है, तो ये, है ना। और भगवद गीता को हम समझे कैसे? प्रश्न मतलब हम कैसे भगवद गीता को समझे? तो भगवद गीता को समझने की एक ही पद्धति है, जैसे अर्जुन ने समझी है और जैसे भगवान ने समझाई है। श्रीमद भगवद गीता 742 लोगों ने श्रीमद भगवद गीता का तात्पर्य लिखा है। 742, अब देखेंगे ना बाजार में कितनी प्रकार की भगवत गीता है, 742 प्रकार की भगवत गीता घूम रही है, लेकिन जीव का परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने यह तात्पर्य सही सही लिखा है। एडजेक्टिव क्या दिया इसका नाम? यथारू। क्या दिया है? यथारू। इनको पढ़ने के बाद पूरे विश्व में क्या आ गई है? क्रांति आ गई है, है ना। इससे गीता को समझने के लिए हमको किसके सहारा लेना पड़ेगा? अर्जुन का। अर्जुन ने जब गीता सुनी भगवान के द्वारा, तो भगवान को गीता सुनी तो क्या बोला अर्जुन ने? परम ब्रह्म परम धाम परित्रम परम भवान। इतना बड़ा अर्जुन क्या कहता है? क्या कौन हो? परम ब्रह्म परम धाम हो, पवित्रम परम भवान, शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। कि आप शाश्वत हो, आप दिव्य हो, आपका धाम परम है। क्योंकि अर्जुन ने ये सब ज्ञान भगवान का प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? श्रद्धा के द्वारा। क्या दिया? श्रद्धा के द्वारा प्राप्त किया। एक और श्री रंगम में साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण मंदिर में बैठे बैठा श्रीमद भगवद गीता को उल्टा पकड़ा था और बैठे था, उल्टा पकड़ के बैठा था और रो रहा था जोर जोर। उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, कुछ आता नहीं था, रो रहा था वो। वहां चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे ना, तो
तो देखा तो दूसरे जो विद्वान थे संस्कृत को जानने वाले वो एक ब्राह्मण पे हंस रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु सोचा क्यों हंस रहे हैं, तो जैसे देखा तो ब्राह्मण रो रहा था। चैतन्य महाप्रभु पूछा तू रो क्यों रहा है, तो ब्राह्मण कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो भगवान है ना, भगवान है वो अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान कृष्ण, वो अपने भक्त के क्या लेके बैठे हैं, ड्राइवर बन गए हैं, वो देख के मैं रो रहा हूं, कितनी करुणा है भगवान की। चैतन्य महाप्रभु कहा कि वास्ते ये सब ज्ञानी है ना संस्कृत के, वो नहीं समझे भगवत गीता, भगवत गीता को कौन समझा है, तू समझा है, क्योंकि तुझ में क्या है, श्रद्धा है। तो श्रद्धा के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर में आपको श्रद्धा ही नहीं है तो क्या आप अच्छे होंगे, नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दवाई दी है और दवाई का आपको सेवन करना पड़ेगा तब जाकर आपका रोग दूर होगा, मतलब डॉक्टर पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी आपको, वरना आप भाव रखना पड़ेगा। हाँ, भाव श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे अर्जुन ने जिस भाव से सुना है इस भाव से हमको श्रीमद् भगवद गीता का है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने अनेक सालों पहले, लाखों करोड़ों साल पहले मैंने किसको ज्ञान दिया है, विवस्वान सूर्यदेव को ज्ञान दिया है, एवं विवस्वती योगो प्रोक्तावान अहम हो, मैंने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया है, और सूर्यदेव को जब ज्ञान दिया मैंने, वही ज्ञान सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने ईश्वर को दिया, ऐसे परंपरा के द्वारा ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रोविदु, शब्द प्रमाण, कैसे ज्ञान आया वो, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रोविदु सकालेन महता योग नष्ट परंतप, लेकिन समय जाने के कारण है अर्जुन ये योग नष्ट, ये जो परंपरा थी वो खंडित हो गई। इससे अर्जुन 4.5 4.3 स एवायम मया ते द योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सीमे सखा चेति रस एतत उत्तमम, हे अर्जुन ये परंपरा खंडित हो गई है, इसे वापस ये परंपरा को चालू करने के लिए मैं तुझे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दे रहा हूं। क्यों ज्ञान दे रहे हो, आपने दुर्योधन को ज्ञान क्यों नहीं दिया, क्यों, क्योंकि भक्तो सीमे सखा चेति, क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मुझ में श्रद्धा रखता है, तू मेरा सखा है, इसे मैं तुझे अर्जुन, इससे क्या चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब जाके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, है ना। इससे इस तीन श्लोक के द्वारा भगवान ने निरूपण किया है ना। शंकराचार्य जो शिव जी का साक्षात अवतार थे शंकराचार्य, और शंकराचार्य अपने भाष्यों में कहते हैं, मतलब ये भगवद गीता के शुरुआत में भगवद गीता पढ़ोगे ना तो भगवद गीता के महात्म्य में कहते हैं एकम शास्त्र, एक ही शास्त्र, देखो लोग क्या चाहते हैं, एक मंत्र चाहते, एक शास्त्र चाहते, एक भगवान चाहते, चाहते आप सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं भगवान होना चाहिए, सब लोग एक चीज चाहते हैं। शंकराचार्य शिव जी हम क्या कहते हैं एकम शास्त्र भगवत गीता, कौन है शंकराचार्य, शिव जी, एको देवो देव की पुत्र एवं, एक ही भगवान है, कौन है, कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानी एकम तस्य कर्म एकम तस्य दिवस्य सेवा। अब उसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिए, समग्र पृथ्वी पर एक ही शास्त्र हो भगवत गीता, एक ही ईश्वर हो देवकी का पुत्र श्री कृष्ण, और एक ही महामंत्र हो, कौन सा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, ठीक है। ये कौन कहता है, शंकराचार्य, जिसने किसका निरूपण किया, शंकराचार्य ने, निराकार का, भगवान कैसे हैं, निराकार है, जिसने पूरे निराकारवादी फैला दिया था वही शंकराचार्य, जाते जाते क्या बोल के गए, भज गोविंदम, क्या बोल के गए, उसने बोला ध्यान तो निराकार है भगवान, बोला कि आखिर में क्या बोल के गए, भगवान साकार, इस तरह से बुद्धि चलानी चाहिए। ये शंकराचार्य साक्षात शिव जी हो कहे, और आगे नीचे देखिए, एक ही मर्म हो भगवान श्री कृष्ण की सेवा, ठीक है। इसके नीचे देखिए, इस कलयुग में मनुष्य का आयु बहुत कम है,
संपूर्ण वैदिक साहित्य को समझना यह किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। ये समस्त वेद है ना, उसको समझना सभी के लिए क्या है? असंभव है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता क्यों सर्व वैदिक साहित्य का सार है? क्या है? श्रीमद् भगवत गीता समस्त वैदिक साहित्य का सार है। मनुष्य को जीवन पूर्ण बनाने के लिए मार्गदर्शन देता है। जीवन को पूर्ण बनाना है तो क्या कर देता है? वो मार्गदर्शन देता है। देखो गांधी जी है ना, गांधी जी अपने मुख से बोले है कि जब भी मेरे जीवन में निराशा छा जाती है ना, सबके जीवन में छाती है, जब भी मेरे जीवन में निराशा छाती है तो मैं किसका सहारा लेता हूँ? श्रीमद् भगवत गीता का। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने गांधी जी को पत्र लिखा था, कहे गांधी जी आप श्रीमद् भगवत गीता को प्रेम करते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी बात पूरे पूरा इंडिया मानता है, आप श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करो, यही जीवन का लक्ष्य है। गांधी जी को पत्र लिखा, लेकिन गांधी जी के पास पत्र नहीं पहुंचा। गांधी जी को बोला था कि आप धर्म बोलो भगवत गीता पे लेक्चर दो, भगवत गीता सिखाओ, क्योंकि आपके लोग ही आपको मार देंगे। हुआ ऐसा? प्रभुपाद जी पत्र लिखे, पत्र पहुंचा नहीं उनके पास। ये हमारे प्रभुपाद जी है जिसने पूरे विश्व में क्या पहुंचा दिया? कृष्ण भावना। गांधी जी को दो पत्र लिखे थे, एक भी पत्र गांधी जी को पहुंचा नहीं। पहला वाला पता नहीं, दूसरा वाला पहुंचा ही नहीं था, और गांधी जी को वैसा ही हुआ जैसा प्रभुपाद जी ने बोला, अपने लोगों ने गांधी जी को मार दिया। तो गांधी जी कहते हैं कि जब मुझे निराशा छा जाती है ना, मैं क्या पढ़ता हूँ? श्रीमद् भगवत गीता ना। तो हम किसके पीछे चलते हैं? ये बड़े राष्ट्रवादी लोग किसके पीछे चलते हैं? गांधी जी को लगते ना आगे गांधी जी का सिद्धांत पे चलते हैं। गांधी जी क्या पढ़ते थे? पढ़नी चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता समझने की योग्यता, भगवत गीता को किस प्रकार समझा जाए? मैंने आपको समझा दिया कि जिस तरह से अर्जुन ने श्रद्धा के द्वारा जिस तरह भगवान को मानकर, श्री कृष्ण भगवत गीता का ध्येय सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। श्रीमद् भगवत गीता का ध्येय क्या है, मर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन अभी कथा कथित भगवत गीता पे टीका लिखने वाले लोगों ने भगवत गीता का मर्म ध्येय निकाल दिया है और क्या लगा दिया है, भगवान एक राजकारणी है, भगवान एक सामसिव है, भगवान एक योद्धा है, बस ऐसा लगा दिया है। तो श्री कृष्ण भगवत गीता का ध्येय है, ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए भगवत गीता। आज भगवत गीता का प्रस्तुतिकरण ऐसे होता है, भगवान ऐसे वैसे अपनी बुद्धि से जीवन जीते। लोग कहते हैं कि प्रभु जी कर्म ही धर्म है, ऐसा बोल के बैठ जाते हैं। बस भगवत गीता में क्या लिखा है? कर्म ही, चोर चोरी करता है क्या वो कर्म नहीं है? चोर चोरी करता कर्म नहीं है तो क्या धर्म हो गया? चोर ने चोरी की वो भी कर्म है ना, तो क्या धर्म हो गया वो? मतलब कर्म ही धर्म नहीं है। भगवत गीता पूरी पढ़िए, तीसरा अध्याय कर्मयोग है, पांचवा अध्याय कर्मयोग है ना, इतना पकड़ के बैठ के खाली इतना सिद्धांत नहीं मानना चाहिए, नहीं यही सत्य है, नहीं। भगवान ने कितने अध्याय दिए हैं? 18 अध्याय दिए हैं, और आखिर में भगवान ने जो बोला ना वो सत्य मानना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए, अपनी बुद्धि से जो भी अपना अच्छा लगे वो पकड़ के बैठ नहीं जाना चाहिए, पूरा भगवत गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं उसका सार क्या है, समझना चाहिए, है ना। और भगवत गीता एक विज्ञान है। चलो ठीक है, भगवत गीता समझने के लिए किसके पास जाना चाहिए है ना, एक बात है। चलो गुरु जी हमको समझ में आ गया कि भगवत गीता राय ग्रंथ है और भगवत गीता पढ़ने के बाद सुनने के बाद ही हमारा जीवन का कल्याण होगा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता समझने के लिए किसके पास जाए, है ना, एक प्रश्न है। ठीक है, तो अभी के कथा कथित जो स्कूल और कॉलेज का जो ज्ञान है, ठीक है, अभी का स्कूल और कॉलेज का ज्ञान है जो मरने के बाद कुछ काम आने वाला नहीं है, उनको प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टीचर की जरूरत पड़ती है ना। कोई व्यक्ति कहेगा अपने टीचर की जरूरत नहीं, मैं अपने आप से पढ़ूंगा, होगा पास हो? टीचर के सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टीचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए टीचर बहुत जरूरी है। लोग अभी क्या करते हैं, मतलब गुरु सभी जगह जरूरत है। देखो आपको कुछ क्रिकेट सीखना है तो क्या बनाना पड़ेगा? आपको गुरु बनाना पड़ेगा।
आपको डांस सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु बनाना पड़ेगा। सभी जगह पे आपको सीखना है कुछ ना कुछ, तो क्या बनाना पड़ेगा? इस भौतिक जगत जो नश्वर जगत है उसमें नश्वर चीज सीखने के लिए भी क्या बनाना पड़ता है? गुरु बनाना पड़ता है। तो क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख दोषानु दर्शन जो दुखालय जगत है उससे निकलने के लिए क्या गुरु की जरूरत नहीं है? गुरु की जरूरत है। लेकिन अभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, वो जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि इतनी मेहनत करने के बाद करोड़पति बनने से बेटर है कि साधु बन जाता हूं, गुरु बन जाता हूं, उसमें अच्छा माल आएगा, पाखंडी गुरु। श्रीमद् भगवत गीता मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि तद विद्यार्थ सब गुरु मेवाभिगच्छते समित पाणि श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। ध्यान से सुनिए भावार्थ। दिव्य विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दिव्य विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कैसा विज्ञान प्राप्त करना है? दिव्य विज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नम्रता से अधिकृत गुरु के पास जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? अधिकृत गुरु के पास जाना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और परम सत्य को जानते हैं। किससे आता? गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। आगे जाके हम पूरा क्लियर करेंगे। देखिए, हम जब गुरु की बात आती है तो लोग क्या सोचते हैं अभी के करीब में कि भाई हम गुरु ग्रहण करेंगे जिसके बड़ी बड़ी जटा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़ा बड़ा आश्रम हो, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, है ना? ऐसे लोगों को हम गुरु धारण करना लोग फैशन हो गई है, इसने गुरु धारण किया तो मैं भी गुरु धारण करूंगा। लेकिन शास्त्र के अकॉर्डिंग हमको चलना है और हमको गुरु बनाना है ना? गुरु बगैर, हम कहते हैं कि गुरु बगैर ज्ञान, वो कबीर जी ने गाया है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की। मैं बलिहार पहले किसको लेता हूं? गुरु की। क्यों? मुझे गुरु ने किसको दिखाया है? गोविंद को। इससे मैन कौन है अभी हमारे जीवन में? गुरु। भगवान ने भी कहा 11वें अध्याय में उद्धव को कहा है कि प्रथम अस्तु गुरु पूजम ततमामा, पहले तो गुरु की पूजा कर, है ना? ऐसा भगवान ने उद्धव जी को दिया है। अभी की कथा में अनेक प्रकार के गुरु होकर बैठ गए हैं, है ना? चेले को बुलाते, आजा मैं तुझे मंत्र देता हूँ। गुरु पूर्णिमा को बुलाते हैं, फिर आना तो आराम से, गुरु पूर्णिमा टू गुरु पूर्णिमा, है ना? और कुछ रख के जाना। अभी के व्यक्ति अपने आप को गुरु मानते, इससे अर्जुन को जब भगवान गीता 11 अध्याय सुनाया ना, है ना, तो अर्जुन ने बोला कि प्रभु, भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि मैं जलाशय में गंगा हूं, मैं नदियों में मैं गंगा हूं, जलाशय में समुद्र हूं, रुद्रों में मैं शिव हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, है ना, और देवताओं में मैं इंद्र हूं, धनुर्धारी में मैं अर्जुन। भगवान ने सब कहा अर्जुन को। अर्जुन ने बोला आप हो तो बताइए, क्योंकि कथा कथित व्यक्ति भी कहेंगे मैं भी अर्जुन हूं, मैं भी समुद्र हूं, अपने कथा कथित कहेंगे मैं भी भगवान हूं, तो आप हो भगवान तो बताइए। भगवान ने क्या दिखाया? विश्व विरास दिखाया। अगर कोई व्यक्ति अभी के कथा कथित व्यक्ति आपको कहते मैं भगवान हूं ना, उसको बोले विश्व विरास दिखा। भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया, उसको बोलोगे थोड़ा 3-4 किलो का पत्थर थोड़ी देर उठा के दिखे। भगवान ने कश्यप अवतार लिया तो 1,00,000 योजन मंदिर पर्वत उसके पीठ पर घिसा गया था। अभी के गुरु के पीठ पे थोड़ा पत्थर घुसना, दो दिन में मर जाएगा, है ना, अपने आप को भगवान कहने वाले। तो ये सब निरूपण है भगवान ने, स्पष्ट है सब कुछ। लेकिन अपने आप को कथाकथित गुरु से भी भगवान मानते, गुरु मानते हैं? गुरु किसको कहते हैं? निरूपण एकदम स्पष्ट हो गया। मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है और असली गुरु की क्या पहचान है? मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है जान गए हैं कि भाई, है ना, कोई भाई मैलेरिया हुआ है तो गुरु किसको बनाना पड़ेगा? डॉक्टर को। आपको कोई रास्ता घूम गए तो गुरु किसका बनाना पड़ेगा? कोई व्यक्ति को पूछना पड़ेगा, वो हमारा गुरु है। एक जगह तो मैं गया था, मुझे याद नहीं अभी, तो उस सिटी में तो जहां भी जाओगे ना तो लोग क्या बोलते हैं? हम पूछते हैं ना कुछ तो बोलते, यस गुरु क्या काम है? गले पान पान के दुकान वाले को क्या बोलते हो लोग? गुरु बोलते हैं। सबको क्या बोलते हैं? फैशन हो गई है ना, गुरु। कैसे है गुरु? ठीक है ना, आपने भी सुना होगा, सभी जगह गुरु लगा दिया। तो
हमको ये सब छोटी छोटी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? गुरु बनाना पड़ता है। इसे गुरु की आवश्यकता है। अगर छोटे छोटे भौतिक चीज के लिए गुरु बनाना आवश्यकता है तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान जो हमको हमारे पितरों को हमारे माँ बाप का भी कल्याण कर सकता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या हमको जरूरत नहीं है गुरु की? है, निश्चित है ना। देखो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया। कौन था? संदेह। दशरथ महाराज ने भी गुरु बनाया। कौन था? वशिष्ठ मुनि। भगवान श्री राम ने गुरु बनाया। कौन था? विश्वामित्र। उनको गुरु की जरूरत थी? नहीं। भगवान हमको सिखा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जब भी भगवान आते हैं तो क्या करते हो? सिखाते हैं कि गुरु ग्रहण करना चाहिए और गुरु के द्वारा हमको ज्ञान लेकर हमको आगे जाके प्रबुद्ध होना चाहिए। अर्जुन ने भी, अर्जुन भी कंफ्यूज था, दुखी था, लेकिन सुखी कब हुआ वो? जब भगवान का शरण लिया उसने, है ना। कौन सा श्लोक है वो? कार्पण्य दोषो भास्वभाव पच्छामि त्वां धर्म समुद्धिचेता शिष्यस्त्वं शादि त्वां मां प्रबुद्धम। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं दुखी हूं, अब आप बताए मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु हो, अर्जुन ने कहा था। देखो मैं आपको परंपरा की बात कहता हूं। पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति को अगर मान लीजिए बहुत बड़ी डिग्री हासिल करती हो, करनी हो, तो क्या करेगा वो? प्रामाणिक कॉलेज या प्रामाणिक यूनिवर्सिटी में जाएगा, है ना। वैसे हमको अगर प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रामाणिक संप्रदाय से परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। इसे पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, संप्रदाय विहीना ए मंत्रास्ते निष्फलामता अत कलो भविष्यन्ति चात्वरस संप्रदाय। जो व्यक्ति संप्रदाय में नहीं है उनके पास कोई भी मंत्र कोई व्यक्ति देता है तो क्या हो जाएगा वो? एंड में निष्फल हो जाएगा। संप्रदाय विहीनाय निष्फलाते मता अत कलो भविष्यन्ति। इससे कलयुग में, भविष्य में कलयुग में चार संप्रदाय की भगवान ने स्थापना की है। कौन से हैं चार संप्रदाय? शिव ब्रह्म रुद्र सनक विष्णु शिति पावन चतुवारस्ते कालो भव्यम ही उत्कले पुरुषोत्तम ही। और चार संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो कहते रामानुजा, श्री चक्रे माधवाचार्य चतुर्मोहस्त, श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बा दित्यम चतुक्षम। ये चार संप्रदाय हैं और चार संप्रदाय के आचार्य हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और कुमार, जो चार कुमार उसको ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी के परंपरा में कौन आ रहा है? माधवाचार्य। और रुद्र मतलब शिव जी की परंपरा में कौन आ रहा है? विष्णु स्वामी, आपने नाम सुना होगा। श्री संप्रदाय की परंपरा में रामानुजाचार्य, उनका भी नाम सुना होगा। और कुमार संप्रदाय की परंपरा में निम्बकाचार्य, अपने रामानुजाचार्य का नाम भी श्री संप्रदाय। तो ये चार संप्रदाय की स्थापना भगवान ने की है। कौन कहता है ये? कौन कहता है? पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस गुरु शिष्य परंपरा का, जो ब्रह्मा जी की परंपरा है, उनके अंतर्गत क्या आ रहा है ये, इसको संस्था है। अभी जो आप जो ज्ञान ले रहे हो ना, वो संस्था किस संप्रदाय में आ रही है? ब्रह्म संप्रदाय। अगर आप चार संप्रदाय में, कोई भी संप्रदाय में ज्ञान प्राप्त करते हो तो ज्ञान आपको कहां तक ले जाएगा? भगवान तक। चारों चार संप्रदाय ऑथराइज है, चाहे वह रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय या फिर ब्रह्म संप्रदाय। लेकिन जो इसको जो भी अभी ज्ञान ले लो ना, वो किसके संप्रदाय में है? ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में है, ठीक है। तो आप जो अभी ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में है, ठीक है। अब देखिए परंपरा, श्रीमद भगवत गीता जितने भी देखी है, तो श्रीमद भगवत गीता शुरुआत में देखना, मैं आपको दिखा दो, श्रीमद भगवत आप घर जाके देख सकते हो। पूरी परंपरा दिया गया है, एक पूरी परंपरा दिया गया है, परंपरा के द्वारा ही ज्ञान आ रहा है। भगवान से ऊपर से देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने
नारद को नारद ने व्यास व्यास मध्वाचार्य पद्मनाभ नृहरि माधव अक्षोभ्य जय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जय धर्म पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ने ब्रह्म तीर्थ ने व्यास तीर्थ उसने लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति ने माधवेंद्रपुरी और माधवेंद्र ईश्वरपुरी ईश्वरपुर के शिष्य हुए साक्षात भगवान जिसका नाम है चैतन्य आज से 500 साल पहले आए थे जिसने हरि नाम का प्रचार किया और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी रघुनाथ दास जीव गोस्वामी कृष्णदास गविदास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ दास बाबाजी उसके शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर उसके शिष्य गौर किशोरदास बाबाजी उसके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिसने इस कौन संस्था की स्थापना किया है और उनके शिष्य हिज ग्रेस हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य यहाँ पूरी परंपरा के द्वारा आपको ज्ञान एज इट इज आ रहा है जो भगवान ने चार संप्रदाय बना है उस अंतर्गत ब्रह्म संप्रदाय है ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय है उसके अंतर्गत ये इस्कॉन संस्था की स्थापना किसने की है गोपाल जी इस्कॉन लोग कहते हैं इस्कॉन धर्म है इस्कॉन धर्म नहीं है इस्कॉन धर्म सनातन धर्म का इस्कॉन संस्था सनातन धर्म का प्रचार करती है इस्कॉन धर्म नहीं है इस्कॉन का अर्थ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रूपा जी ऐसी सोसाइटी बनाई है जिसमें समस्त जीव रह सके ऐसी सोसाइटी बनाई है क्योंकि भगवान कहते हैं ममे अंश जीव लोग का जो भी आप जीव देखते हो गधे कुत्ते बिल्ली मनुष्य देवता ये किसके हैं मेरे हैं मतलब इसके नाते हम सब किसके हैं भगवान के हैं इससे इस सोसाइटी का नाम क्या दे दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी का नाम देते हैं ना फलाना के यहाँ यही लोग रहेंगे पटेल रहेंगे यहाँ अमीर लोग रहेंगे यहाँ गरीब रहेंगे भगवान रूपा जी कौन सी सोसाइटी दे दी इंटरनेशनल इसमें सब लोग आ सकते हैं गरीब हो अमीर हो सब क्योंकि सब किसके हैं ये परंपरा है ना ये परंपरा है ये वेद व्यास जी के संप्रदाय विहीनाते है ना तो अगर ज्ञान प्राप्त करना है आपको जन्म कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है जन्म मृत्यु जरा से छूटने का ज्ञान प्राप्त करने तो कहां आना पड़ेगा आपको गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आना पड़ेगा तब जाकर आपको एज इट इज ज्ञान प्राप्त होगा देखो ये कृष्ण ब्रह्मा नारद चैतन्य महाप्रभु और ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्री भगवान जी पूरी परंपरा है अब देखिए चलो गुरु परंपरा में हमने ज्ञान सही है चलो गुरु परंपरा में हमको ज्ञान देना चाहिए वेद व्यास जी ने कहा है तो गुरु और शिष्य की योग्यता क्या है ठीक है तो पहले हम क्या जानेंगे गुरु की योग्यता तो पहला है गुरु खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए है ना लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे गुरु मुझे छूते हैं ना तो झटका लगता है क्या लगता है मेरे गुरु मुझे छूते झटका लगता है तो 420 वाट पड़ गया वहां भी झटका ही लगता है वहां भी गुरु झटके देने के नहीं मिलते गुरु हमको इस संसार से निकालने के लिए गुरु बनाना होता है गुरु खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए वो याद रखना चाहिए है ना जो भी व्यक्ति अपने अपने आप को भगवान मानता है ना लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म सब सब बोलते हैं उसका अर्थ क्या है बता सकता है आपको सबको मालूम है ना सबको आता है ना आपको रात को 12 बजे को जगाएं बोलोगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव सबको आता है उसका अर्थ कौन बताएगा यस प्रभु जी माइक दीजिए खड़े हो जाओ फटाफट गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु है गुरु देव महेश्वर है गुरु ही शिव है यस बैठिए प्रभु जी बोल रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु है गुरु और शिव है गुरु ब्रह्मा के समान पूजनीय है ब्रह्मा जी नहीं है ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति किए गुरु ने क्या किया है गुरु ने कौन सी उत्पत्ति की है गुरु ब्रह्मा मतलब गुरु ब्रह्मा के समान पूजनीय है गुरु विष्णु भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं गुरु जी कर सकते हैं नहीं गुरु महेश के समान पूजनीय है गुरु महेश शिव नहीं है वो शिव क्या करते हैं त्राण दो करके पूरी सृष्टि का
सहार कर सकते हैं, है ना। गुरु किसी को थप्पड़ मारेगा पुलिस वाले ले जाएंगे, नहीं चलता वहां। गुरु ब्रह्मा की तरह पूजनी है उसको, ब्रह्मा उनकी पूजा करो, क्योंकि गुरु के द्वारा कौन मिलेगी हमको, भगवान मिलेगी, वो पूजनी है। विष्णु की तरह पूजनी है और शिव की तरह पूजनी है, लेकिन वो शिव नहीं है, विष्णु नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, ये समझना चाहिए, है ना। हम बोलते तो बोलते तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि चलानी चाहिए, है ना। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरु को प्रणाम किया, गुरु को बोला कि गुरुदेव कृपा कीजिए, तो गुरु ने बोला ठीक है मेरे नाम का मंत्र जब तुझे वैकुंठ मिलेगा, तू ये मेरे नाम का मंत्र जब तुझे वैकुंठ दे दूंगा। तो शिष्य खुश हो गया, जयपुर का था, शिष्य खुश हो गया, बोला वहां गुरु आपने मुझे वैकुंठ दे दिया, मैं आपसे प्रसन्न हो गया, मैं आपको पूरा जयपुर देता हूं। शिष्य गुरु ने बोला जयपुर तेरा बाप का है, वैकुंठ तेरे बाप का है, जयपुर तेरे बाप का है। तो शिष्य ने बोला गुरुदेव वैकुंठ आपके बाप का है। एक तो मंत्र अपना जपाते हो और बोलते वैकुंठ देते हो, ऐसे गुरु है। विश्व विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया, गोवर्धन उठाया, है ना। गुरु भगवान को मिलाने के लिए क्या है, द्वार है। जब जीव होता है तो जन्म मृत्यु में फंसा हुआ है, अनेक करोड़ों जन्म से जीव भटक रहा है, दुखी है, उनको पकड़ के कहां लाना है, भगवान के समक्ष लाना है, बीच में गुरु है। और जैसे भगवान सामने आ जाते हैं गुरु वहां से हट जाता है, इसे गुरु को क्या बोला है, गुरु द्वार बोला है। लेकिन अभी के कथाकथित गुरु क्या बन गए, गुरु दीवार बन गए, नहीं जाने भगवान के पास नहीं जाने देते हैं, है ना। अगर सच्चा कहीं सत्संग होता है ना, तो अभी के कथाकथित गुरु कहता है नहीं वहां मत जाना, तो वहां जाएगा सुधर जाएगा बेटा, तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, वहां नहीं जाना, है ना। जाने शिष्य को जाने नहीं देते हैं। लेकिन भागवत में पढ़िए, जब विश्व पितामह है ना, जब भागवत का निरूपण करने जा रहे थे ना, है ना, तो परशुराम सब शिष्य सहित रेणुका सुत वहां पधार गए थे, अपने शिष्य को लेके आए थे। लेकिन अभी के कथा कथित क्या करते हैं लोग, अपने आप को ही गुरु, अपने आप को क्या नहीं मानना चाहिए, खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति गुरु अपने आप को भगवान मानता है ना, उसको पकड़ के, यहाँ तो है नहीं, नदी है यहाँ, यहाँ नहीं है, अब सूरत में आ जाना, माता में फेंक देना, पहाड़ पहाड़ के नीचे पहाड़ बड़े बड़े। दूसरा है गुरु जो बोले हो आचरण करता होना चाहिए, गुरु जो बोले हो आचरण करता होना चाहिए। एक बार हुआ ऐसा कि एक गुरु थे, वो कथा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम की, है ना, कथा कर रहे थे, तो उसकी बीवी कथा में नहीं आती थी, तो एक स्त्री ने पूछा, उसकी सखी ने पूछा कि बहन तू कथा में क्यों, तेरे जो पति है ना बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आते सुनने के लिए। तो बोला देखो बहन, मेरे पति कथा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो बहुत बड़े गुरु हैं सबके, लेकिन मैं क्या उनके लिए खाना पकाने के लिए घर में रहती हूँ, इससे मेरे पर टाइम नहीं रहता है। तो बोलो कोई बात नहीं, पहले एक बार तो आ तो गई, हमारे गांव में एक कथा है, तो एक बार जल्दी खाना बना लेगा, फिर आ हमारे साथ, बोलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब कथा चालू हुई, तो उससे पहले उसकी बीवी ने फटाफट सब कुछ बना लिया, और उसकी बीवी तुरंत, उनकी बीवी कथा सुनने के लिए चली गई, कथा सुनने के लिए चली गई, वहाँ जैसी बैठी तो उनके पति जो कथाकार थे कथा कहने लगे, और कथा कहते कहते बोला कि हमको तमोगुणी आहार नहीं करना चाहिए, भगवान कहते हैं कि सत्वगुण में स्थिर रहना चाहिए, ना त्रिगुण विषया निस्त्रिगुण भव अर्जुन, कि हमको सत्वगुण में स्थित होना चाहिए, ऐसे सत्वगुण में स्थित होने के लिए हमको तमोगुणी आहार नहीं खाना चाहिए, तमोगुणी आहार नहीं खाना, शुद्ध आहार करना चाहिए, है ना। आहार सत्व शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व ध्वस्मृति ध्वस्मृति सर्व वृक्ष लंब मोक्ष, कि अगर आहार शुद्ध होगा तो क्या शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो हमारी आत्मा की उन्नति होगी, ऐसे प्रवचन दे रहे थे, सुंदर प्रवचन दे रहे थे। इससे बोले कि तमोगुणी आहार नहीं खाना चाहिए, कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो तमोगुणी आहार, तमोगुणी आहार खाने से भगवान कहते तमोगुणी जीव से हो जाता है, और तमोगुण के द्वारा व्यक्ति नरक में जा सकता है। सुंदर प्रवचन दे रहे थे शास्त्र से, उनकी बीवी सुन रही थी, उनकी बीवी तुरंत खड़ी हुई और भागी, कहां भागी,
घर भागी और घर जाने के बाद जितना भी खाना था ना पकड़ के गटर में डाल दिया और नया पकाया। पकाने के बाद जैसे पति घर पे आया कथा के बाद पति ने बोला कि तैयार है खाना, थे कहा तो बोला दीजिए, तो प्लेट में दिया खाना और जैसे एक निवाला गुरुदेव ने डाला मुख में, जैसे अंदर डाला तुरंत थूक दिया बाहर। अरे भाग्यवान तूने क्या बनाया है? तो बोला पति रे आपने तो बोला कि सत्वगुणी आहार करना चाहिए, इसलिए कांदा लसन वाला मैंने जो बना फेंक दिया, मैंने सत्वगुणी आहार बनाया। बोला पागल है तू, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो दूसरे के लिए डाल है ना, कांदा लसन फूल डाल, तो हमारे लिए नहीं, उपदेश किसके लिए है? इससे गुरु पहले आचरण करता होना चाहिए, है ना। बड़ा बड़ा यहाँ कथा का वाचक करता है ना, सुबह सत्वगुण में जगना चाहिए 3-4 बजे, चैंटिंग करना चाहिए सत्वगुण में, तब जाके आप भक्ति में आगे बढ़ो। आप बोलता तो है लेकिन खुद नहीं जगता है, 8 बजे जगता है, आचरण नहीं करता है तो क्या काम का, है ना। इससे ऐसे गुरु क्या करना है, इसका आचरण होना चाहिए, है ना। ऐसे आचरण के द्वारा गुरु को, है ना। एक बार एक गुरु जी के पास एक बच्चे को अपनी माँ ले गई। गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरा बेटा है बहुत चॉकलेट खाता है, बहुत चॉकलेट खाता है, इसको कहो ना चॉकलेट बंद, आप बोलोगे तो बंद कर देंगे, आप गुरु हैं हमारे। तो बोले ठीक है, एक काम एक हफ्ते के बाद लाना उनको। तो चले गए, एक हफ्ते के बाद आए, और एक हफ्ते के बाद आए हैं तो गुरु को बोला कि गुरुदेव अब बोलिए ना। तो गुरुदेव ने बोला बेटा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट दांत खराब हो जाता है ना, ऐसा बोला, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे ने बोला ठीक है गुरुदेव नहीं खाऊंगा। तो बच्चा और माँ जा, लेकिन माँ ने पूछा कि गुरुदेव एक हफ्ते के बाद हम आए, पहले आए थे तो ये शब्द नहीं कह सकते थे, एक हफ्ते पहले आए तो एक हफ्ते पहले आए तो क्यों बोला कि एक हफ्ते के बाद आ। तो गुरुदेव ने बोला कि तब मैं भी चॉकलेट खाता था, मैं भी चॉकलेट खाता था, मैं जब बंद करूंगा तब उपदेश दूंगा ना उनको। तो बोला मैंने अब चॉकलेट बंद कर दिया, अब मैं उनको बोलूंगा ना तब वो मानेगा। इसे गुरु क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अब देखिए नारद सबसे बड़ा गुरु कौन है, किसके शिष्य और गुरु है नारद, वेदव्यास जी के। रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि के गुरु कौन है। भगवान को खंभे से किसने प्रकट कराया, नरसिंह प्रहलाद उनके गुरु है, ध्रुव के गुरु है नारद है। इस सबने आचरण किया है, शास्त्र पढ़े, और उनके पीछे जो भी चलेगा ना वो व्यक्ति, उनके पीछे चलना है हमको, नारद वेदव्यास जी के ऋषि मुनि के पीछे हमको चल के शास्त्र। तीसरा है 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में होना था, जो हमने आपको समझाया, ठीक है। चौथा विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए, विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा किसने बनाई है, भगवान ने। भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, वो बोले थे, बोले अपने प्यार में कि किबा विप्रम किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्वेता से गुरु हुए। किबा विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, किबा विप्र किबा न्यासी, न्यासी मतलब सन्यासी, जो सब कुछ छोड़ के घूम रहा है पूरे विश्व में धर्म का प्रचार कर रहा है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं, चाहे कोई ब्राह्मण बड़ा हो क्या है, चाहे कोई सन्यासी बड़ा हो, अगर वो कृष्ण या विष्णु का भक्त नहीं है तो उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए। स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोला किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने, यही कृष्ण तत्वता से गुरु। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण और विष्णु को तत्व से जानता है तो क्या है, गुरु बनने के लायक है। मतलब क्या शब्द है उसमें, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने ने, अगर कोई व्यक्ति शूद्र है, चांडाल का मांस खाने वाला व्यक्ति, मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल व्यक्ति है, चांडाल के घर में भी जन्म हुआ है, और वो व्यक्ति भी अगर कृष्ण को तत्व से जानता है तो उनको गुरु बना सकते हो। कौन कह रहे, भगवान चैतन्य खुद अपने मुख से बोले, तो उनको गुरु उनको बनाना चाहिए। ये सीताराम को भगवान स्वयं ने दिया है कि बा विप्र कि बा न्यासी, भले सन्यासी हो पूरे विश्व में दंड लेके घूमता हो, है ना, लेकिन भगवान को नहीं मानता है तो गुरु बनाने के योग्य नहीं है। अगर वो गुरु बनाएगा भी शिष्य का कल्याण
नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति तत्व जानता है वही तत्व का निरूपण कर सकता है, और जो तत्व का निरूपण कर सकता है वही व्यक्ति हमको इस दुखारे जगत से उबार सकता है ना। इस तत्व से किसको धारण करना चाहिए? गुरु को धारण करना चाहिए, जो तत्व का ज्ञान जानता है ना। इससे भगवान ने क्या बनाया है? चार संप्रदाय बनाए, और छठा है उनके उपदेश। किसके? गुरु के उपदेश साधु और शास्त्र के समान होना चाहिए, है ना। हम देखो, मैं आपको जो कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि मैं जो बोला आपको एक्सेप्ट कर लेना, नहीं, आपको भी क्या करना है, खुद से पढ़ना है कि विजयहरी प्रभु जो इस कौन से आए हैं, कहीं फेंक तो नहीं रहे ना, खुद पढ़िए। आपको यहाँ बकरे की तरह पालना नहीं है हमको, आप आइए हमारी संस्था में, नहीं, आपको सत्य ज्ञान देना है। इसी भक्ति विधान स्वामी श्री गुरुपाद जी ने कहा है, सत्य का ज्ञान दो और उसमें छोड़ दो, डिसीजन हो लेंगे। आप खाली उनको क्या दो? ज्ञान दो। आप अगर उसको सत्य का ज्ञान नहीं दोगे ना, तो कलयुग पाखंड का युग है। अनेक ऐसे लोग हैं जो लोगों को भ्रम में डालकर नरक में ले जाएंगे। इसे प्रभुपाद जी कहते, अब वृंदावन जाएंगे ना, वृंदावन इसको मंदिर में सेंटर से क्या प्रभुपाद जी ने, जैसे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि उपदेश जो होना चाहिए गुरु का, किसके अंतर्गत होना चाहिए? शास्त्र और साधु के अंतर्गत होना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है ना, हमको पढ़ना चाहिए, खुद सुनना चाहिए ना, भक्तों के साथ में, और फिर हमको उस पर डिसीजन लेना चाहिए। और शिष्य के गुण, शिष्य के गुण क्या है? देखो, गुरु के तो गुण है, साथ में शिष्य के भी गुण है ना। सुनने के लिए शास्त्र, गुरु के मुख से सुनने के लिए इच्छा, क्योंकि मेन चीज क्या है? शौर्य, इसे सुनता होना चाहिए। दूसरा, उदार मन से विनम्र पूछता है ना, पूछता विनम्र भाव से। ऐसा नहीं कि गुरुदेव ये प्रश्न है तुके जवाब या फिर कहो कि गुरुदेव आ जा घर पे, आश्रम में नहीं घर पे आ जाओ, ऐसा ऑर्डर दिया नहीं, विनम्र होकर कहेगा गुरुदेव है ना, प्रश्न पूछेगा। लेकिन अभी तो कड़ी में ऑर्डर ही देते हैं ना, बच्चे को पढ़ना होता है तो क्या करते हैं? टीचर को लेके आते हैं और बुलाते हैं कि अब घर में आ जाना, बच्चे को पढ़ा लेना, 500 ज्यादा ले जाएंगे घर में आ जाए, गुरु को ऑर्डर देते हैं, क्या बच्चा सीखेगा भाई? विनम्र होकर पूछताछ करना। अभी तो क्या होता है कड़ी में, टीचर या हमारे मुरारी गुरु मुरली गुरु कल बोल रहे थे कि प्रभु जी टीचर को तो अभी स्टूडेंट मारते हैं, है ना, शिष्य मारते, अरे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया टीचर तो धमकी देते हैं, बाहर निकलेगा तो पूरा चिल्लाते रहेगा, ऐसा धमकी देते हैं। अब शिष्य गुरु को धमकी देकर क्या कल्याण होगा? सोचा, विनम्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। एक बार एक घड़ा, क्या बोलते उसको, मटका पड़ा था, तो ऊपर वाला ढक्कन बोला के मटके तो सबको पानी पिलाता है, मुझे तो पिला, एक ढक्कन ने बोला है मटके मुझे तो पानी पिला, सबको तो पिला रहे मुझे पिला पानी ना, मैं तुझे ढांक रहा हूं ऊपर, तो मटका ने बोला है ढक्कन, कहते हैं ढक्कन, बोला ढक्कन तू जो व्यक्ति सिर पे चढ़ते बैठे उसको उसको पानी नहीं मिलता है, पानी पीना तो क्या आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा, नम्रता से पूछताछ करना पड़ेगा, मरना नहीं मिलेगा। ढक्कन को ऐसा बोला, तुमको क्या बोलना चाहे? विनम्र पूछताछ गुरु से करना चाहिए। तीसरा, सेवा की भावना, मेन चीज है कि गुरु की क्या करनी चाहिए, ओनली खाली प्रश्न है ना, खाली ज्ञान लेना नहीं, उनकी सेवा करनी चाहिए है ना, क्योंकि जब सेवा होती है ना, सेवा, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु जब देखता है कि मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, सेवा कौन सी है सबसे बड़ी? कौन सी है? आज्ञा का पालन करना, वही सेवा है सबसे बड़ी। मैं जहां से सीखा हूं, मैं जहां से बोलना सीखा, भागवत भगवत गीता जहां सीखो, मेरे गुरु जो है श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु है, वो नहीं मिलते, हम मिलना ही नहीं होता है ना, साल में एक बार गुरु जी मिलते हैं, और सेवा तो फिर भी नहीं होती है ना गुरु जी, और वो भी इतने नम्र है कि सेवा नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग क्या करें, प्रचार करें, उसकी एक इच्छा होती है कि नहीं प्रचार करें, भगवान की सेवा करें। और जब उनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य को ग्रहण करके हम जो एक कार्य करते हैं ना, तब वो खुश होते हैं, वो सेवा है उनकी, तो उनको उद्देश्य का कान में लेकर इस अकॉर्डिंग जीवन जीना है ना। इसे क्या करना, सेवा की भावना शिष्य में आनी चाहिए, और भगवान का भक्त होना चाहिए। एक बार एक शिष्य था, गुरु था, गुरु गायत्री कर रहे थे, क्या कर रहे थे? गायत्री कर रहे थे, अचानक उसी आश्रम में शेर आ गए,
जैसे शेर आ गया गुरु के यहाँ, खुले शेर को देख रहे, शेर सामने है, शिष्य कुछ काम कर, उनके भी दृष्टि के शेर के ऊपर, तो गुरु गुरु तो ऐसे गायत्री कर रहे हैं, लेकिन शिष्य नौ तो ग्यारह हो गया, वहां से भाग गया शेर को देख कर, तो थोड़ी देर के बाद शेर भी चला दिया, गुरु गायत्री खत्म कर दिया, गुरु जी खड़े होकर काम में लग गए। दो दिन के बाद चेला और गुरु दोनों चल के जा रहे थे, तो अचानक सांप आए बीच में, तो गुरु भागे वहां से, गुरु वहां से भागे, भागे तो चेला भी भागा, और पीछे जाके पूछा गुरु क्यों भागया, तो बड़ा सांप था, अरे क्या सांप था, वो शेर आया फिर भी आप भागे नहीं, और अभी भागे सांप से, तो गुरु ने बोला भाई वो जब शेर आया ना तब मेरे साथ कौन था, भगवान था, मैं भगवान का स्मरण कर रहा था, और अभी कौन है, तू मेरे साथ, इससे मुझे भागना पड़ा। तो ऐसे शिष्य नहीं बनने, ऐसे शिष्य नहीं बनते, और गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण रूप से श्रद्धा, कि जिसको आपने गुरु बनाया है आपको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए ये मुझे भगवान के धाम पहुंचाएगा, है ना। अगर श्रद्धा नहीं है ना तो आप गुरु पे शक करोगे, गुरु पे त्रुटि निकालोगे, गुरु की निंदा भी कर सकते हो, है ना, ईर्ष्या करोगे, वो सब होगा अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है। इससे मेन चीज क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और छठा है गुरु के आदेश का ध्यान से पालन, ध्यान से अगर पालन करोगे ना तो अपराध नहीं होगा, और प्रेम से अगर पालन करोगे आदेश का तो समस्त चीज जो शिष्य को करना चाहिए वो सब पालन होगी, ठीक है। तो गुरु और शिष्य के गुण है, तो इस तरह से हमको जन्म मृत्यु जरा वरी का ज्ञान कहां से प्राप्त करना चाहिए, शास्त्र से, और शास्त्र से किससे, किस तरह से, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, जो भगवान ने पद्म पुराण में वेदव्यास जी ने कहा है, और चार संप्रदाय की स्थापना से, कौन से चार संप्रदाय हैं, पहला कौन सा है, ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा शिष्य रुद्र संप्रदाय, तीसरा शिष्य संप्रदाय, चौथा कुंभार संप्रदाय। उसके आचार्य कौन कौन हैं, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, जिसके अंतर्गत कौन आया था, वल्लभाचार्य, कौन, जिसने लड्डू गोपाल की सेवा करते ना, किसने स्टार्ट किया था, वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय के। शिष्य संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, वो तो आपको सबको पता है रामानुजाचार्य के बारे में। और चौथा निम्बार्क आचार्य, जिसने सूर्य को कहां प्रकट करा दिया था, निम्ब के पैर से, कभी ऐसा आएंगे तो कथा कहेंगे उसके, निम्ब के पैर से सूर्य को प्रकट कराया था निम्बार्क आचार्य, वो सब ये सब आचार्य है। और आचार्य सामान्य नहीं है, जो रामानुजाचार्य है वो भगवान के अस्त्र शस्त्र के अवतार है, ये सब सामान्य नहीं है, तो ये संप्रदाय के सब आचार्य है, और आचार्य के अकॉर्डिंग पूरी परंपरा चल रही है, और पूरी परंपरा भी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, पूरी परंपरा। तो इस अकॉर्डिंग जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तब जाके हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो तत्व है दिव्य ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। माइक दीजिए, जो भी अनाउंसमेंट है करेंगे सुनिए ध्यान से आप, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आपका जो भी प्रश्न है शायद कल मैं आपको पूरा टाइम दूंगा प्रश्न पूछने का, क्योंकि कल का जो टॉपिक है, और मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज 7 दिन भगवान ने दिया, आपकी भी मति लगी है, बहुत भाग्यशाली हुआ, तो 7 दिन आप थोड़ा सा ज्यादा 15-10 मिनट टाइम ज्यादा निकाल कर जल्दी आइए। 7 बजे बैठने का प्रयत्न करेंगे ना तो 7:15 तक चालू करेंगे, तो हमको आखिर प्रश्न उत्तरी का टाइम, क्योंकि मुझे टॉपिक पूर्ण करना पड़ेगा ही, अगर टॉपिक अधूरा रह गया तो नहीं चलेगा। प्रश्न उत्तरी के लिए मुझे टाइम देना है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा 7 बजे से 9 बजे का टाइम ही हमारा पता ना आपको, तो आप लोग अगर 7:15-7:30 बजे आएंगे तो कैसे होगा। मैं सोचता हूँ कि भाई सब आ जाएंगे फिर चालू करूंगा, 7:30